ये जो इतना एरिया है, एरिया जीरो है हमारे पास में OVSPF का, ठीक है, और ये एरिया है हमारे पास में OVSPF का एरिया वन, ठीक, और यहाँ पे चल रहा है OVSPF का एरिया टू, और ये है हमारे पास में OVSPF एरिया थ्री, ठीक। अब रिमेनिंग जितने भी हमारे टॉपिक हैं वो यहाँ पे हमारे इस टोपोलॉजी में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, एक लाइक EIGRP 100 रन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक प्रोसेस चल रही है EIGRP 200 की, ठीक। और ये R1 से हमारा एक सर्विस प्रोवाइडर भी कनेक्टेड है जो हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा। समझ में आ रही है बात, टोपोलॉजी समझ में आ रही है। IP एड्रेसेस क्या यूज़ किया है, वही इन दोनों के बीच में 12 के नेटवर्क में 12.1 12.2, 13 के नेटवर्क में 13.1 13.2, इसी तरह से इन पे, इन दोनों के बीच में 26 का नेटवर्क है, इन दोनों के बीच में 110 का नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, 110.1.1.0/24 का, इन दोनों के बीच में मैं 128 का नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे R1 पे कुछ लूपबैक बने हुए हैं एरिया जीरो में, 5 लूपबैक बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, ऑलरेडी बने हुए, मैंने आईपी की कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही करी हुई है इसमें। यहाँ पे कुछ लूपबैक बने हुए हैं इस एज राउटर पे, 60 के नेटवर्क में कुछ नेटवर्क है, यहाँ पे 12 के नेटवर्क में, और यहाँ पे 11 के नेटवर्क में, और यहाँ पे 70 के नेटवर्क में, ये यहाँ पे गूगल का IP है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने कवर कर लिया था टाइप 4, टाइप 5 LSA एंड स्टब राउटर हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। देखो यार, टाइप 5 हो गया था, टाइप 6 LSA यूज नहीं होता, ये यूज होता है टाइप 6 LSA जब आप मल्टीकास्ट OSPF इनेबल कर रहे हो, MOSPF, ठीक है, और आजकल वो यूज़ होता नहीं है, ठीक है। मल्टीकास्टिंग जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो टाइप 6 LSA हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टाइप 7 LSA के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NSSA एक्सटर्नल LSA, ठीक है। बट टाइप 7 को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, हमें टाइप्स ऑफ एरिया के बारे में पता होना चाहिए। OVSPF में कुछ टाइप्स ऑफ एरियाज हैं, वो आपको पहले उनके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, देन आप टाइप 7 LSA समझ पाओगे। तो पहले हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ एरिया समझने वाले हैं, टाइप्स ऑफ एरियाज क्या हैं, ठीक है, देन वहाँ पर आपका LSA 7 आएगा, तो LSA 7 का कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। तो अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ एरिया इन OSPF। 5 टाइप के एरियाज हैं OSPF में, कौन कौन से, एक होता है स्टैंडर्ड एरिया। बाय डिफॉल्ट OSPF में जितने भी एरियाज होते हैं, चाहे वो बैकबोन एरिया हो चाहे वो रेगुलर एरिया हो, बाय डिफॉल्ट ऑल एरियाज आर स्टैंडर्ड एरिया, ठीक है। एक है हमारे पास में स्टब एरिया, टोटली स्टब एरिया, NSSA एरिया, नॉट सो स्टबी एरिया, और एक है हमारे पास में टोटली NSSA एरिया। ये 5 टाइप के एरियाज हैं हमारे पास में OSPF में। बाय डिफॉल्ट ऑल एरियाज आर स्टैंडर्ड एरियाज, ठीक है। अब बात करते हैं ये एरियाज हम लोग यूज क्यों करते हैं। दिस एरिया टाइप्स आर यूज्ड फॉर LSA फिल्टरिंग, डेटाबेस फिल्टरिंग के लिए यूज होता है, किस लिए, फॉर
LSA फिल्टर करने के लिए हमारे पास में टाइप्स ऑफ एरियाज हैं। बाय डिफॉल्ट जितने भी एरियाज होते हैं वो स्टैंडर्ड एरियाज होते हैं, वहां पे कोई LSA फिल्टर नहीं होता बाय डिफॉल्ट। सारे LSAs क्या होते हैं? अलाउड होते हैं। LSA 1, 2, 3, 4 सारे LSAs अलाउड होते हैं, है ना, बाय डिफॉल्ट। किस एरिया में? स्टैंडर्ड एरिया में। सबसे पहले बात करेंगे स्टब एरिया के बारे में। स्टब एरिया क्या है? अगर मैं बात करूं स्टब एरिया की, इट इज यूज टू फिल्टर टाइप फोर LSA एंड टाइप 5 LSA। एक्चुअली हम लोग बोलते हैं कि जो स्टब एरिया वो टाइप 5 LSA फिल्टर करने के लिए यूज होता है, और टाइप 5 LSA फिल्टर हो गया तो टाइप 4 की तो जरूरत ही नहीं है ना हमें। टाइप 5 आ रहा होता था, ASBR तक रीच करने की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए टाइप 4 चाहिए था हमें, याद है ना। तो जब टाइप 5 भी नहीं आ रहा तो फिर ASBR की इंफॉर्मेशन की जरूरत ही क्या है हमें, ठीक है। तो नॉर्मली क्या बोलते हैं, स्टब एरिया में टाइप 5 LSA फिल्टर होता है, वो टाइप 5 LSA फिल्टर हो गया तो हमें टाइप 4 LSA की वैसे ही जरूरत नहीं है, तो वो भी यहाँ पे फिल्टर होता है, ठीक है। ओके, बात करेंगे इसमें कुछ और भी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बात करेंगे हम लोग किन केसेस में स्टब एरिया यूज करेंगे। देखो यहाँ पे आ जाते हैं, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, जूम इन। इतनी टोपोलॉजी है हमारी अभी फिलहाल, इसको भूल जाओ अभी के लिए, थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए। ये इतना हमारा OSPF का डोमेन है, ठीक। अब होता क्या है, यहां पे इस एरिया में जो राउटर अटैच्ड हैं उन राउटर्स की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन इतनी अच्छी नहीं है कि ये नंबर ऑफ LSAs को हैंडल कर पाए। अब हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे इस एरिया में जो टोटल नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस हैं, मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे 1000 प्रीफिक्सेस हैं, किसमें? एरिया जीरो में। और इस एरिया में जो टोटल नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस है वो 2000 प्रीफिक्सेस है, ठीक। अब एक बात बताओ, ये जो एरिया थ्री है, इस एरिया थ्री में ये जो प्रीफिक्स आ रहे होंगे इस एरिया के, वो किस LSA के फॉर्म में आ रहे होंगे? LSA 3 के फॉर्म में आ रहे होंगे। तो LSA 3 यहां पे कितने आ रहे होंगे अभी फिलहाल? 1000 LSA 3 आ रहे होंगे। और ये जो प्रीफिक्स हैं EIGRP के प्रीफिक्स OSPF में कैसे आएंगे? यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो इस एरिया में ये एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस भेज रहा होगा किस फॉर्म में? LSA 5 के फॉर्म में। कितने LSA 5 होंगे? 2000 LSA 5 होंगे। जितने नंबर ऑफ यहाँ पे प्रीफिक्स होंगे उतने नंबर ऑफ LSA 5 आएंगे इस एरिया में। और वो LSA 5 जो है वो किस एरिया में आएंगे साथ में? एरिया 3 में भी आएंगे। तो यहाँ पे LSA 3 तो आ रहे होंगे आपके 1000, और यहाँ पे LSA 5 आ रहे होंगे कितने? 2000। डबल कैसे करते हैं, ठीक है, अभी उस पर भी आ जाता है, ठीक है। तो अब होगा क्या, यहां पे ये जो राउटर्स हैं इन राउटर्स की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन इतनी अच्छी नहीं है कि ये राउटर्स इन नंबर ऑफ 5000 LSAs को क्या कर पाए, अपने डेटाबेस में स्टोर कर पाए, उनको हैंडल कर पाए। बात आ रही है ना समझ में? एक मिनट,
तो इन राउटर्स की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो इतने नंबर ऑफ़ LSS को क्या कर पाए, हैंडल कर पाए। काम करते हैं, मैं पहले इसको इंप्लीमेंट कर लेता हूँ, साथ के साथ में हम लोग इसको देखते रहे। और मैं यहाँ पे जो राउटर मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए, मैं उन राउटर को यहाँ पे शट डाउन कर दूंगा, टर्न ऑफ कर दूंगा। R12 मुझे अभी नहीं चाहिए, R8 भी नहीं चाहिए हमें, R7 भी नहीं चाहिए, R3 भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। और फिलहाल R10 भी मुझे नहीं चाहिए, बस इतनी टोपोलॉजी है अभी हमारी, ठीक है। ये टोपोलॉजी है ना हमारी, तो एक काम करते हैं पहले इन पे ना OSPF मैं इनेबल कर देता हूँ, पहले इनका CPU देख लेते हैं यार। ओपन, चलो वैसे इसकी CPU यूटिलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो नहीं रही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ऑलरेडी इन पे प्रोटोकॉल चल IP एड्रेसेस ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। देख लो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, मैंने लूपबैक वगैरह ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया है, और ये वैन लिंक पे ऑलरेडी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है सीरियल लिंक्स पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं राउटर OSPF100 रन करूँ, और इन राउटर की राउटर आईडी हम लोग इन राउटर के नंबर से यूज़ करेंगे। इसके सारे के सारे इंटरफेसिस किस में है, एरिया जीरो में है, तो मैं नेटवर्क 000 कमांड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। R2 पे चलोगे, राउटर OSPF100, राउटर आईडी इज 2.2.2.2, ठीक है। एग्जिट इंटरफेस सीरियल 1/0, आईपी OSPF100 के एरिया कौन से में है, जीरो में है। एग्जिट राउटर EIGRP100 चला रहा हूँ, से नो ऑटो समरी, इन दोनों के बीच में R2 एंड R6 के बीच में जो लिंक है इसको EIGRP में एडवर्टाइज करवा रहा हूँ, समझ रहे हो ना बात। ये वाला लिंक किस में है, EIGRP में। R6 पे चलोगे, राउटर EIGRP100 से नो ऑटो समरी, नेटवर्क इज 0000, सारे के सारे इंटरफेसेस EIGRP में एडवर्टाइज हो जाएंगे, इनके बीच में नेबरशिप अब आ चुकी है। अब चलते हैं R4 पे, R2 को मैंने राउटर आईडी दे दी थी क्या, नहीं दी थी क्या, दे दी थी, ओके। तो चलते हैं R4 पे, राउटर OSPF100, राउटर आईडी इज 4.4.4.4, एग्जिट इंटरफेस सीरियल 1/0, आईपी OSPF100, एरिया इज सीरियल 1/0, किसमें डालना है हमने, एरिया जीरो में। इंटरफेस सीरियल 1/1, आईपी OSPF100, एरिया कौन से में है, 3 में। ये करना था, R5 पे आ जाए, राउटर OSPF100, राउटर आईडी इज, एग्जिट इंटरफेस सीरियल 1/0 इज इन एरिया 0, इंटरफेस सीरियल 1/1 इज इन एरिया 3। आप चल लोगे आप R9 पे, राउटर आईडी दे दी थी R5 को, हैं, राउटर आईडी, नेटवर्क 000 कमांड यूज कर रहा हूँ, सारे के सारे इंटरफेसेस एक ही एरिया में है, एरिया 3 में, ठीक है। OSPF कॉन्फ़िगर हो चुका है, ठीक है। अब तुम लोग देखोगे इस R9 के पास में, इस एरिया में जो भी राउटर्स हैं उनके पास में ये इस एरिया के प्रीफिक्सेस आ रहे होंगे यहाँ पे, किस फॉर्म में, LSA3 के फॉर्म में आ रहे होंगे, दिखा देता हूँ। शो आईपी OSPF डेटाबेस,
और कितने नंबर ऑफ LAC3 आ रहे हैं, देखो LAC3 भी तो डबल हो जाएंगे, मैंने वहां पे मेंशन नहीं किया ना, अरे LAC3 भी तो डबल हो जाएंगे, अरे एक ये वाला ABR भेजेगा और एक ये वाला ABR भेजेगा, दोनों ABR LAC3 जनरेट कर रहे होंगे, है ना, समझ में आ रही है बात दो। अरे तुम लोगों ने कुछ तुम्हारे दिमाग में गलत फहमियां हैं वो निकाल देना पहले तो, कि जिसकी राउटर आईडी हाईएस्ट होती है वो LAC3 जनरेट करता है, ऐसा कुछ पढ़ा होगा तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा ना, अच्छी बात है, कुछ की है। तो यहाँ पे LAC3 कितने आएंगे वो भी पता चल जाएगा, एक केस बनता है जिस केस में जिसकी राउटर आईडी हाईएस्ट होती है वो LAC5 जनरेट कर रहा होता है, बात करेंगे उसके बारे में, अभी छोड़ दो उसको। तो देखो यहाँ पे 2000 LAC3 आएंगे, एक्चुअली क्या होगा ये भी इसकी राउटिंग टेबल में भी ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस पड़े होंगे, इसकी राउटिंग टेबल में भी ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस पड़े होंगे, ये राउटर क्या करेगा राउटिंग टेबल के प्रीफिक्सेस यहाँ पे, ये राउटिंग टेबल के प्रीफिक्सेस यहाँ पे LAC3 के फॉर्म में शेयर कर रहा होगा। तो नंबर ऑफ LAC3 कितने आ रहे होंगे, 2000 आ रहे होंगे, ठीक है, 1000 प्रीफिक्सेस है 2000। और अब मैं यहाँ पे OSPF को EIGRP को OSPF में क्या करवा रहा हूँ, रिडिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूँ, राउटर OSPF 100 में रिडिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूँ EIGRP 100 को। मैंने एक सबनेट कीवर्ड यूज कर लिया, मैट्रिक टाइप यूज करना है मैट्रिक टाइप यूज कर लो, मैंने एज ए E1 भेज दिया। तो अब ये सभी प्रीफिक्सेस भी आ रहे होंगे इस एरिया में, किस फॉर्म में आ रहे होंगे, LAC CIP OSPF डेटाबेस, तो इसके डेटाबेस में ये LAC3 तो आ ही रहे हैं, LAC5 भी आ रहे हैं। LAC5 कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, CIP OSPF नेबर, दो नेबर बने हुए हैं। LAC जनरेट कौन सा भेज, कौन सा रहा है, कौन सा ATR भेज रहा है, यहाँ पे देख लो CIP OSPF डेटाबेस, और ये LAC कौन जनरेट कर रहा होता है, ये LAC कौन जनरेट कर रहा होता है, ASBR जनरेट कर रहा होता है ना, वो टोपोलॉजी का है हमारी। तो ये कितने आ रहे होंगे, अरे ये सिंपली क्या करेंगे उसको आगे रिले ही करेंगे बस, अरे जनरेट ये थोड़ो ना कर रहे हैं, जनरेट कौन कर रहा है, ASBR, ASBR का ये LAC इसके पास में भी आ रहा है, इसके पास में भी आ रहा है, ये सिंपली उसको आगे क्या करेंगे रिले करेंगे, ये जनरेट नहीं कर रहे हैं। तो इनके पास में किसका LAC आ रहा है, LAC5 आ रहा है, जनरेट कर कौन रहा है, R2 जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे LAC3 कितने आएंगे, 2000, और LAC5 कितने आएंगे, 2000 LAC आएंगे, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। जनरेट का भी दिखा देता हूँ, एक हाईएस्ट राउटर आईडी का केस आएगा वो भी क्लियर कर देंगे। ये अभी फिलहाल ASBR कितने हैं, एक ही है ना, ये एक ही, अगर यहाँ पे मेरे पास में दो ASBR होते ना, एक और ASBR होता इसके पास में भी वो, तो ये भी वो क्या जनरेट कर रहा होता, हाँ टोटल नंबर ऑफ फिर LAC वो कितने आते हैं, 4000 LAC5 आते, समझ में आ रही है ना बात। अभी मेरे पास में ASBR एक ही है तो वही जनरेट कर रहा है, तो वही LAC यहाँ से और यहाँ से रिले हो गया, ठीक है। अब इसके पास में LAC 3 आ गए 2000 और LAC 5 आ गए 2000। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, इस एरिया में जो राउटर अटैच्ड है उन राउटर की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, उनका हार्डवेयर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना अच्छा नहीं है कि वो इन 4000 LACs को क्या कर पाए, अपने डेटाबेस में हैंडल कर पाए, मेंटेन करके रख पाए इनको। तो इसके लिए फिर क्या होगा, प्रॉब्लम है ये, तो इनकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, डिवाइसेस की स्लो हो जाएगी ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे LACs को क्या करवा सकते हैं, फिल्टर करवा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस एरिया को हम लोग क्या बना लेंगे, स्टब एरिया बना लेंगे, और स्टब एरिया में क्या हो जाता है, LAC 4 एंड LAC 5 फिल्टर हो जाते हैं। तो जैसे मैं इस एरिया को स्टब एरिया बनाऊंगा,
स्टब एरिया बनाते हैं यहाँ पे, LSA 5 क्या हो जाएंगे फिल्टर, और LSA 4 भी फिल्टर हो जाएंगे यहाँ पे। LSA 4 भी आ रहे हैं, दिखा देता हूँ, LSA 4 कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं ना, LSA 4 दो क्यों आएंगे, LSA 4 कौन जनरेट करता है, ये दो ABR है, तो दोनों ABR अपना LSA 4 क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। समझ में आ गई बात, अरे समझ में आ रहा है, दो ABR है तो दोनों ABR वो LSA 4 जनरेट करेंगे। ओके, अब होगा क्या, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, अब यहाँ पे नंबर ऑफ इतने सारे LSA जा रहे हैं, इनका डेटाबेस दिखा देता हूँ मैं, R1 का, R9 का, IPOS भी डेटाबेस, तो देखो ये नंबर ऑफ मान के चल रहे हैं, कितने नंबर ऑफ LSA जा रहे हैं, 2000 LSA 5 आ रहे हैं, तो इसको हमने क्या करना है, इनको हमने फिल्टर करवाना है, तो फिल्टर करवाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी सब एरिया बनाने वाले हैं, इस एरिया को सब एरिया कैसे बनाओगे वो देखो, R9 पे चलोगे आप, क्या बोलोगे, राउटर OSPF 100 में जाओगे, और एरिया 3 को क्या बोल दोगे आप, स्टब। मैं जैसे एरिया, इस राउटर को एरिया 3 को स्टब बोलता हूँ, ये नेबरशिप क्या कर रहा है, ब्रेक, ऐसा क्यों हो रहा है, नेबरशिप क्यों ब्रेक कर रही है, देखो होगा क्या, जैसे इस राउटर को आप क्या बनाओगे, स्टब राउटर बनाओगे, तो ये इस राउटर को मैंने बोला तुम्हारा इंटरफेस जो एरिया 3 में, एरिया 3 क्या है, स्टब एरिया है, तो जो जो इंटरफेस एरिया 3 में है, उस लिंक से जब भी कोई हेलो मैसेज जाएगा ना, तो उसमें एक एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटी बिट होती है, बाय डिफॉल्ट वो जो एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटी बिट होती है, उसको देखो वो कैसे सेंड कर रहा होता है, मतलब ये एक्सटर्नल राउटिंग को क्या कर रहा होता था, पहले सपोर्ट करता था, और जैसे ही मैं इसको, मैंने क्या बनाया, स्टब राउटर बनाया, स्टब एरिया में इसको डाला, तो इसकी जो एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटी बिट है वो ऑफ हो गई, मतलब ये एक्सटर्नल राउटिंग का सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब LSA 5 को सपोर्ट नहीं करने वाला ये, ठीक है। और हाँ, और ये जब भी अपना हेलो मैसेज भेज रहा है, उस हेलो मैसेज में वो अपनी एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटी बिट ऑन करके भेज रहा है, ऑफ करके भेज रहा है, और ये राउटर अभी भी क्या है, एक्सटर्नल राउटिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, ये अभी भी अपने हेलो मैसेज को कैसे भेज रहा है, वो बिट को ऑन करके। तो हमने डिस्कस किया था वो स्टब फ्लैग बिट क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, तभी नेबरशिप आप पाएगी। तो यहाँ पे भी राउटर को बोलना पड़ेगा आपको, इन राउटर्स को भी, कि तुम्हारा एरिया 3 क्या है स्टब, ताकि इस लिंक से, ये इंटरफेस तुम्हारा एरिया 3 में है, इस लिंक से जो भी हेलो मैसेज भेजेगा उसमें एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटी बिट ऑफ करके भेजना स्टार्ट कर देगा, ये भी भेजना स्टार्ट कर देगा, तो दोनों के बीच में नेबरशिप अप आ जाएगी। तो देख लेते हैं, यहाँ पे भी आपको बोलना पड़ेगा राउटर OSPF 100 एरिया 3 इज स्टब, नेबरशिप अप आ जाएगी इसकी R9 के साथ में, नेबरशिप अप आ चुकी है। R5 पे भी चलोगे, राउटर OSPF 100 एरिया 3 क्या बोल दोगे, स्टब, इनके बीच में भी नेबरशिप अप आ जाएगी, नेबरशिप अप आ चुकी है, और स्टब फ्लैग बिट अब दोनों की मैच हो रही है, एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटी बिट दोनों पे ही क्या है, यहाँ पे भी ऑफ है, यहाँ पे भी ऑफ है, तो वो दोनों के बीच में नेबरशिप अप आ जाएगी। और हाँ, अगर कोई एक एरिया को आप स्टब एरिया बनाते हो, तो उस एरिया में जितने भी राउटर हैं उन सब पे जाके आपको वो कमांड चलानी पड़ेगी, नहीं तो उस राउट, जिस राउटर पे वो कमांड नहीं चलाओगे उसकी बाकी नेबर्स के साथ में नेबरशिप डाउन हो जाएगी, नहीं तो। समझ में आ रही है ना बात इतनी, तो नेबरशिप अब आ चुकी है, और ये हमारा एरिया क्या बन चुका है, स्टब एरिया बन चुका है। और स्टब एरिया में अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसमें मैंने क्या बताया, स्टब एरिया में क्या फिल्टर हो जाता है, LSA 4 एंड LSA 5, तो यहाँ पे कोई LSA 4 नहीं आ रहा, कोई LSA 5 नहीं आ रहा, वो क्या हो गया फिल्टर, और इसकी राउटिंग टेबल में वो प्रीफिक्स भी नहीं आ रहे होंगे, क्या वो LSA नहीं आ रहे, तो 60 का प्रीफिक्स नहीं आ रहा जो EIGRP डोमेन में था, EIGRP डोमेन में कौन से प्रीफिक्सेस थे ये, वो नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, अभी वो फिल्टर हो चुके हैं, और LSA नहीं आ रहा, तो LSA नहीं आ रहा, तो राउटिंग टेबल में उन प्रीफिक्सेस को इंस्टॉल कैसे कर लेगा, तो राउटिंग टेबल का भी साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और डेटाबेस टेबल का भी साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और अब फिर अब इनके पास में ये प्रीफिक्सेस ही नहीं आएंगे, तो ये राउटर कम्युनिकेट कैसे करेंगे इस एरिया के राउटर्स, तो यहाँ पे होता क्या है, इसमें एक और लाइन ऐड करना ना, ABR राउटर विल जनरेट डिफॉल्ट रूट ऑटोमेटिकली, एक डिफॉल्ट रूट ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा होता है, ABR राउटर विल जनरेट ए डिफॉल्ट रूट ऑटोमेटिकली इन द फॉर्म ऑफ LSA 3 स्टब एरिया में। ABR राउटर क्या करेगा, डिफॉल्ट रूट
automatically in the form of अरे वो डिफॉल्ट रूट कोई LSA के फॉर्म में आएगा ना तो LSA 3 के फॉर्म में आएगा वो डिफॉल्ट रूट दिखा देता हूँ R9 के पास में आ जाओ IP OSPF डेटाबेस तो इसके डेटाबेस जब आप लोग चेक करोगे ना तो इसके LSA 3 में एरिया 3 में ये समरी LSA आ रहा है और समरी LSA में देखो ये क्या आ रहे हैं डिफॉल्ट रूट कौन भेज रहा है AVR राउटर किस फॉर्म में भेज रहा है LSA 3 के फॉर्म में और ये देखो ये इसको अपनी राउटिंग टेबल में भी क्या कर लेगा इंस्टॉल कर लिया दोनों को और कम्युनिकेशन भी होता रहेगा इसे डिफॉल्ट रूट की हेल्प से अगर आपने EIGRP डोमेन से कम्युनिकेट करना है कम्युनिकेशन भी होता रहेगा अब कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रहा है हाँ रिवर्स ये ट्रैफिक आपका यहाँ से यहाँ तक रीच तो कर रहा होगा बट अभी तक मैंने OSPF को EIGRP में रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाया तो वो भी मैं अभी के लिए करवा देता हूँ पहले राउटर EIGRP 100 में चल लो मैं रिडिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूँ किसको OSPF को 100 को और आगे मैट्रिक बतानी पड़ेगी आपको ना अब ये लो कम्युनिकेशन होना भी स्टार्ट हो जाएगा R9 से हो रहा है कम्युनिकेशन देखो इसकी इसके डेटाबेस में वो नंबर ऑफ 2000 और वो 2 LSA 4 ये हमने क्या करवा दिए फिल्टर पहले इनकी राउटिंग टेबल में इंडिविजुअल वो 2000 नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस इंस्टॉल होते डेटाबेस में वो LSA होते अब वो हमने उन सभी LSA को क्या करवा दिया फिल्टर अब डेटाबेस टेबल का एक तो साइज क्या हो गया रिड्यूस और राउटिंग टेबल में भी वो प्रीफिक्सेस नहीं जाएंगे अब जब डेटाबेस टेबल में नहीं है LSA तो ये क्या कर रहे हैं एक डिफॉल्ट रूट भेज रहे हैं बस AVR राउट उस डिफॉल्ट रूट की हेल्प से कम्युनिकेशन होता रहेगा आगे बात समझ में एक और लाइन ऐड कर लेना जो वी कैन नॉट मेक स्टब एरिया टू बैकबोन एरिया को स्टब एरिया नहीं बना सकते आप बैकबोन एरिया कभी भी स्टब एरिया नहीं बनेगा एक और लाइन ऐड कर लेना वी विल नेवर कॉन्फिगर स्टब एरिया वेयर वर्चुअल लिंक एग्जिस्ट जिस एरिया में वर्चुअल लिंक एग्जिस्ट करता है उस एरिया को हम लोग कभी भी स्टब एरिया नहीं बनाएंगे जिस एरिया में वर्चुअल लिंक है उस एरिया को आप स्टब एरिया नहीं बनाओगे वर्चुअल लिंक के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है ना सभी को तो देखो यार यहां पे ये मेरे पास में एरिया जीरो है ये कौन सा एरिया है एरिया वन है ये कौन सा एरिया है एरिया टू है ये AVR बनेगा नहीं बनेगा ना ये AVR राउटर तो मैं अगर इस एरिया को मैं क्या बना दूं इस एरिया पे क्या बनाना पड़ेगा मुझे वर्चुअल लिंक इस राउटर के बीच में और इस राउटर के बीच में तो अब क्या होगा इसका एक इंटरफेस और उसका एक इंटरफेस किस में आ जाएगा एरिया जीरो में आ जाएगा है ना और ये राउटर क्या बन जाएगा तुम्हारा AVR बन जाएगा है ना और ये अपने जो भी प्रीफिक्सेस हैं ये यहाँ के जो LSA 5 है वो इसके पास में आ रहे होंगे वो जा तो इसी के थ्रू रहे होंगे जो भी वर्चुअल लिंक पे जा रहे हैं बट जा तो इसी के थ्रू रहे होंगे ना और अगर मैं इसको स्टब एरिया बना दूंगा तो स्टब एरिया तो वो तुम्हारा एक्सटर्नल राउटिंग को तो सपोर्ट करता ही नहीं है प्रॉब्लम है कि नहीं है ना तो जिस एरिया में आपका वर्चुअल लिंक है उस एरिया को कभी भी आप स्टब एरिया नहीं बना सकते क्लियर है ये चीज ओके ये लाइंस ऐड कर लेना दोनों लाइंस ओके तो कम्युनिकेशन हो पा रहा है अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है बट स्टिल हमने देखा यहाँ पे हमने वो LSA क्या करवा दिया और 2000 LSA 5 आ रहे थे वो हमने क्या करवा दिया फिल्टर करवा दिए अब हमने देखा अभी भी इन डिवाइसेस की परफॉर्मेंस स्लो आ रही है ठीक है फर्क इतना फर्क नहीं पड़ा अभी भी इसके डेटाबेस में ये LSA 3 आ रहे हैं कितने 4000 कितने 4000 LSA 3 आ रहे हैं अभी भी ये इनको भी वो हैंडल नहीं कर पा रहा इनकी वजह से अभी भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है डिवाइसेस की तो अब हमने क्या करने हैं LSA 3 भी क्या करवाने हैं फिल्टर करवाने हैं तो हम लोग अब क्या करेंगे इस एरिया को क्या बना देंगे टोटली स्टब वो सारी लाइन सेम लिख लेना बस इसमें आपका क्या है टोटली स्टब में LSA 3 को भी फिल्टर करवाना स्टार्ट कर देगा बाकी सब कुछ सेम है जो हमने स्टब एरिया में डिस्कस किया
भाई एक तो ये वीआर जनरेट कर रहा है और एक अच्छा 1000 है क्या, तो 2000 लिखो ना, मैंने सोचा 2000 थे वो। हाँ आएगा वो, क्या टेंशन क्यों ले रहे हो, 2000 ये एलएसए अभी भी आ रहे हैं, एलएसए 3 और ये राउटर्स, इस एरिया के राउटर्स इन एलएसए को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस एरिया को हम लोग क्या बना लेंगे, टोटली स्टब, और टोटली स्टब में LSA 3, LSA 4 and LSA 5 ये सभी LSA क्या हो जाते हैं, फिल्टर। और ABR राउटर अभी भी एक डिफॉल्ट रूट भेजता रहेगा ऑटोमेटिकली इन द फॉर्म ऑफ LSA 3। एरिया जीरो को कभी भी आप स्टब टोटली स्टब नहीं बना सकते हो, और उस एरिया को हम लोग कभी भी स्टब एरिया नहीं बनाएंगे जिस एरिया में वर्चुअल लिंक है, टोटली स्टब नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो अब मैं इस एरिया को क्या बनाने वाला हूं, टोटली स्टब बनाने वाला हूं। अब इस एरिया को टोटली स्टब बनाना है ना, तो सिर्फ एक कमांड ऐड करोगे, कहां पे, एबीआर राउटर पे। तो जो एबीआर राउटर है R4 है मेरा एक, तो राउटर ओएसपी 100 में जाओगे और आपने यहां पे बोला था इसका एरिया 3 क्या है, स्टब, आगे कीवर्ड ऐड कर देना नो समरी। मैंने बोला स्टब तो है ये, समरी एलएसए से भेजना क्या कर दे, समरी एलएसए से भेजना बंद कर दे, एलएसए 3 भेजना बंद कर दे। सेम मैं क्या कहां पे बोलूंगा, R5 पे राउटर ओएसपी 100 और क्या बोल दोगे यहां पे, एरिया 3 स्टब और आगे क्या बोल दो, नो समरी। तो अब तुम देखोगे यहां पे LSA 3 भी सारे क्या हो जाएंगे, वो फिल्टर हो जाएंगे, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। पहले कितने नंबर ऑफ LSA 3 आ रहे थे, अब ABR, ये दोनों ABR राउटर क्या कर रहे हैं, एक-एक LSA 3 भेज रहे हैं और उस LSA 3 में सिर्फ डिफॉल्ट रूट भेज रहे हैं और शो आईपी रूट। इनके राउटिंग टेबल का साइज भी देख लो कितना रिड्यूस हो गया है और कम्युनिकेशन भी होता रहेगा। आप यहां से EIGRP डोमेन से भी कम्युनिकेट कर पा रहे हो डिफॉल्ट रूट की हेल्प से, और आप यहां पे ओएसपीएफ जो एरिया जीरो के ये इस एरिया के प्रीफिक्स उनको भी आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो। आगे बात समझ में, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन बोलो। ये था स्टब एरिया एंड टोटली स्टब एरिया। अब एक प्रॉब्लम है यहां पे, प्रॉब्लम देखो क्या है वो बात करते हैं। अब हुआ क्या, एक और यहां पे छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी जहां पे EIGRP या RIP प्रोटोकॉल चल रहा था, उसको हमने क्या कर लिया, हमारी कंपनी ने ओवरटेक कर लिया। तो अब इस डोमेन को हमने हमारे ओएसपीएफ डोमेन से क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। अरे इस कंपनी को एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी जहां पे नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस लिमिटेड यूज हो रहे थे, कितने, सिर्फ 50 प्रीफिक्सेस थे, और इस कंपनी को हमने क्या कर लिया, ओवरटेक कर लिया। EIGRP 200 चल रहा था यहां पे। तो अब इस डोमेन से अगर हमने EIGRP से अगर हमने ओएसपीएफ से कम्युनिकेट करवाना इनके बीच में, तो बीच में एक सेंट्रलाइज राउटर चाहिए होगा जिन पे हां रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करोगे, जिस पे आपका ओएसपीएफ चल रहा होगा एक इंटरफेस पे और एक इंटरफेस पे। तो इस डोमेन को और हमारे इस ओएसपीएफ डोमेन को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक राउटर यूज कर लिया। ये इंटरफेस तुम्हारा ओएसपीएफ में रहेगा और ये इंटरफेस EIGRP में रहेगा। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूं, एक और राउटर आ गया अब हमारे पास में, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, मैं इस पे R10 पे चलता हूं, R10 को भी मैं कॉन्फिगर कर देता हूं। ओके तो मैं यहां पे बोलता हूं राउटर ओएसपीएफ 100, राउटर आईडी इज 10.10.10.10, एग्जिट इंटरफेस सीरियल 1/0 किस में है, आईपी ओएसपीएफ 100, एरिया कौन से में है, ये एरिया 3 में, एग्जिट राउटर EIGRP 100, सॉरी राउटर EIGRP 100 को तो मैं नो करता हूं, राउटर EIGRP 200 नो। ऑटो समरी नेटवर्क ही इन दोनों के बीच में 110 का नेटवर्क है। मैं R11 पे चलूंगा और R11 पे भी जाके मैं राउटर EIGRP 200 से नो ऑटो समरी एंड नेटवर्क इज 000, इन दोनों के बीच में EIGRP की नेबरशिप अप आ गई। तो इस राउटर के पास में इस एरिया के रूट EIGRP डोमेन के प्रीफिक्स आ रहे होंगे और इस एरिया के प्रीफिक्स आ रहे होंगे किस फॉर्म में, LSA 1 के फॉर्म में।
और यहां के और LSA 5 आ नहीं रहे होंगे, उनके उनके लिए क्या आ रहा है इसके पास में, डिफॉल्ट रूल। समझ में आ रही है बात? तो ये दोनों एरिया से क्या कर पा रहा होगा, कम्युनिकेट, है ना। तो मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं पहले। ओके, तो R10 देख लो, R10 दोनों डोमेन से कम्युनिकेट कर पा रहा होगा। मैं पिंग करता हूं 11 वाले प्रीफिक्स को, 11.1.1.1 को भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ये, 10.1.1.1 OSPF डोमेन को भी कम्युनिकेट कर पा रहा होगा ये। अच्छा, R10 को हमने अभी स्टब राउटर नहीं बोला, इसको बोलना पड़ेगा ना स्टब राउटर, नहीं तो नेबरशिप अप नहीं आएगी। तो राउटर OSPF 100 में जाओगे और इसका एरिया 3 क्या है, ठीक है, अभी नेबरशिप अप आ जाएगी इनकी, वेट करो। तो देखो मैं पिंग कर रहा हूं यहां से 10.1.1.1 को भी कम्युनिकेट कर पा रहा है ये, और ये वो EIGRP 100 वाले डोमेन को भी कम्युनिकेट कर पा रहा है, ठीक है। बट ये प्रीफिक्सेस इस एरिया में नहीं आ रहे होंगे, ये प्रीफिक्सेस इस एरिया में नहीं आ रहे होंगे, तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो मैं R10 पे चलता हूं और R10 पे राउटर EIGRP 200 में गया, मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट करवा दिया किसको, OSPF 100 को, और आगे मैट्रिक मैंने यूज कर ली 11111, और मैं ऐसे राउटर OSPF 100 में गया और मैंने रिडिस्ट्रीब्यूट करवाया किसको, EIGRP 200 को, आगे मैंने सबनेट कीवर्ड यूज किया, मैट्रिक टाइप मैंने 1 यूज कर लिया। बट अब होगा क्या, अब होगा क्या, ये एक, इसने एक वार्निंग दे दिया आपको, क्या एक्चुअली हो क्या रहा है, देखो सुन लो समझ लो, ये एरिया क्या बना हुआ है हमारे पास में, स्टब एरिया या टोटली स्टब मान लो जो भी है, ठीक है। स्टब एरिया में, टोटली स्टब में LSA 5 क्या होते हैं, LSA 5 फिल्टर होते हैं, है ना, और ये ASBR है। मैं इस राउटर पे क्या परफॉर्म कर रहा हूं, रिडिस्ट्रीब्यूशन, और जब आप कोई राउटर पे रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करते हो तो वो क्या जनरेट कर रहा होता है, LSA 5 जनरेट कर रहा होता है, और ये मेरा एरिया ही कौन सा है, इस एरिया में तो LSA 5 अलाउड ही नहीं है, इस एरिया में तो LSA 5 अलाउड है ही नहीं, तो ये एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस आएंगे क्या इस एरिया में, आएंगे नहीं। देख लो R9 के पास में कोई एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस नहीं आ रहे होंगे, शो IP OSPF डेटाबेस आ ही नहीं रहा, कोई LSA 5 रूट ही नहीं आ रहे होंगे, 11 वाले नहीं आ रहे, 11 वाले प्रीफिक्सेस ये, क्योंकि ये एरिया कौन सा बना हुआ है सब, और सब एरिया में LSA 5 क्या होता है, फिल्टर, और जब कोई राउटर पे आप रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करते हो वो नॉर्मली LSA 5 जनरेट कर रहा होता है, और इस एरिया में तो LSA 5 सपोर्टेड ही नहीं है, तो प्रॉब्लम है कि नहीं आई है। तो उस एरिया को आप कभी भी स्टब एरिया नहीं बनाओगे या टोटली स्टब नहीं बनाओगे जिस एरिया में ASBR एग्जिस्ट करता हो, यह भी आप लाइन ऐड कर लेना, आप लिख सकते हो ASBR राउटर इज नॉट अलाउड इन स्टब एरिया, सेम लाइन आप टोटली स्टब में ऐड कर लेना, ASBR राउटर इज नॉट अलाउड इन स्टब एरिया और टोटली स्टब एरिया, अलाउड ही नहीं है, तो अब ये तो प्रॉब्लम होगी, इसका मतलब तो अभी हम लोग कभी इस डोमेन से कभी कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे, किससे, EIGRP 200 से। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहां पे ना इस एरिया को स्टब एरिया से क्या कर देता हूं, हटा देता हूं, फिर तो ये क्या करने लग जाएगा, LSA 5 जनरेट करने लग जाएगा ना, अरे मैं जैसे इस एरिया को स्टब एरिया से हटाऊंगा ये LSA 5 को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं एक काम करता हूं, अभी के लिए मैं इसको स्टब एरिया से हटा देता हूं, राउटर OSPF 100, मैंने एरिया 3 को स्टब बोला था, मैंने इसको क्या बोल दिया नो, R10 पे भी कमांड चलाई थी उसको भी मैं नो कर रहा हूं, एरिया 3 और मैंने स्टब बोला था इसको भी मैंने नो बोल दिया, और R4 पे एंड R5 पे कमांड चलाई थी इसको भी मैंने नो बोल दिया, और R5 पे भी चलो राउटर OSPF 100 नो करो इसको, और नो करो। अब ये एरिया जो है हमारा एक स्टैंडर्ड एरिया है अब नॉर्मली, और अब इस एरिया में LSA 5 क्या है, अलाउड है ना। तो अब होगा क्या, ये प्रीफिक्सेस यहां पे आ रहे होंगे किस फॉर्म में, LSA 3 के फॉर्म में,
अरे कौन से एलएसए? इस एरिया के प्रीफिक्स एलएसए 3 के फॉर्म में कितने? 2000। और ये प्रीफिक्स आ रहे होंगे यहाँ पे किस फॉर्म में? टीआईजीआरपी वाले एलएसए 5 के फॉर्म में कितने? 1000। अच्छा वहां पे कितने थे प्रीफिक्स? 2000 प्रीफिक्स थे क्या? और 2000 एलएसए आ रहे होंगे 5। अरे यहाँ पे प्रीफिक्सेस कितने थे? 1000 प्रीफिक्सेस मान के चल रहे थे हम लोग, तो वो कितने आ गए एलएसए 3? 2000, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कितने नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस मान के चल रहे थे? 2000 प्रीफिक्सेस मान के चल रहे थे। तो ये आगे मेरे पास में एलएसए 5 2000, ठीक है, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। बट अब होगा क्या, ये राउटर रिडिस्ट्रीब्यूशन भी परफॉर्म करना क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। अब यहां पे एलएसए 5 और आने स्टार्ट हो जाएंगे, कितने? 50। देख लो, मैं R10 पे जाता हूं, R10 पे दोबारा कमांड रन करता हूं रिडिस्ट्रीब्यूशन वाली। मैंने रिडिस्ट्रीब्यूट करवा दिया EIGRP कौन से को? 200 को। किस में? OSPF में। तो देखो अब R9 का मैं डेटाबेस दिखा देता हूं तुम्हें, शो आईपी OSPF डेटाबेस। इसके डेटाबेस में वो अब इंडिविजुअल LSA 3 आने लग गए सारे, और 2000 LSA 3 आ रहे हैं। और ये देखो, ये तो आ रहे हैं कौन से प्रीफिक्सेस? वो EIGRP 100 वाले, कितने? 2000 LSA 3 LSA 5। और ये आ रहे हैं 50 LSA 5 कौन से? EIGRP 200 वाले, 11 वाले प्रीफिक्सेस ये यहां पे आ रहे हैं। तो पहले इनका डेटाबेस कितना ज्यादा था, इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, है ना, डिवाइसेस की। अरे इनकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन इतनी अच्छी नहीं थी पहले, वो इतने नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ LSA आ रहे थे यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ LSA आ रहे थे यहाँ पे 4000 LSA 3 एंड LSA 5। और ऊपर से अब LSA 5 और आने लगे, कितने एक्स्ट्रा? 50 और आने लगे, इनकी परफॉर्मेंस और ज्यादा स्लो हो जाएगी। प्रॉब्लम है कि नहीं आई है? तो इस प्रॉब्लम को अब हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास में एक ऑप्शन है, एक और एरिया है हमारे पास में, कौन सा? NSSA एरिया। इस एरिया को हम लोग क्या बनाने वाले हैं अभी? NSSA एरिया। और NSSA एरिया में फिल्टर होते हैं कौन कौन से? एलएसएस, एलएसए 4 एंड एलएसए 5 क्या होते हैं? फिल्टर। एएसबीआर राउटर इज अलाउड इन दिस एरिया। इस एरिया में एएसबीआर राउटर अलाउड होता है। देखो समझ लो अब इसको, मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूं। अब ध्यान से समझ लेना इसको, इस एरिया को मैंने क्या बना लिया? NSSA एरिया। इस एरिया में LSA 5 क्या हो जाते हैं? फिल्टर। और LSA 4 भी क्या हो जाते हैं? फिल्टर। ये जो प्रीफिक्सेस आ रहे थे यहां पे, टोटल नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस कितने थे? 2000 प्रीफिक्सेस थे। ये जो 2000 यहां पे प्रीफिक्सेस आ रहे थे किस फॉर्म में? LSA 5 के फॉर्म में। ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे? फिल्टर हो जाएंगे, अब नहीं आएंगे ना ये। बट ये LSA 3 तो आ रहे होंगे, सिर्फ LSA 3 आ रहे होंगे, कितने? 2000। यहाँ पे प्रीफिक्स कितने हैं टोटल? 1000। तो LSA 3 आ रहे होंगे सिर्फ, कितने? 2000 आ रहे होंगे। LSA 5 यहाँ पे क्या हो गए हैं? फिल्टर। LSA 4 भी यहाँ पे क्या हो गया? फिल्टर। बट ASBR राउटर अलाउड होता है, ये ASBR राउटर रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ LSA 7। तो ये क्या करेगा यहां पे, इस एरिया में रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करेगा, और यहां पे LSA 7 आएंगे, कितने? 50। और LSA 7 को सिर्फ कौन सपोर्ट करता है? NSSA एरिया सपोर्ट करता है, स्टैंडर्ड एरियाज LSA 7 सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हमारे स्टैंडर्ड एरियाज जो होते हैं वो LSA 7 को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अब यहां पे वो प्रीफिक्स क्या हो गया? LSA 5। ये 2000 तो फिल्टर हो गए यहां पे,
एलएसए फोर फिल्टर हो गए दो, और ये रिडिस्ट्रीब्यूशन भी तो परफॉर्म कर ही रहा है। अब आप इस डोमेन से क्या कर लोगे, कम्युनिकेट कर लोगे। दिखा देता हूँ, चलो मैंने इस एरिया को बनाया नहीं क्या अभी तक, तो मैं बोलता हूँ एरिया थ्री, क्या बोल दोगे एनएसएस से आर थ्री पे, चलो राउटर ओएसपीएफ 100 एरिया थ्री, क्या बोल दोगे एनएसएस से आर नाइन पे चलोगे राउटर ओएसपीएफ 100 एरिया थ्री एनएसएस से, और आर टेन पे भी सेम कमांड एग्जीक्यूट करोगे आप राउटर ओएसपीएफ 100 एरिया थ्री एनएसएस से। एनएसएसए में एरिया, एनएसएसए एरिया में एलएसए 5 क्या हो जाते हैं फिल्टर, एलएसए 4 क्या हो जाते हैं फिल्टर, एएसबीआर राउटर अलाउड होता है, ये रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ एलएसए 7। तो इस डोमेन के प्रीफिक्सेस यहां पे आ जाएंगे, देख लो आर9 पे चलता हूं मैं, क्यू आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। देखो अब यहां पे एलएसए 3 आ रहे हैं, एरिया 0 वाले प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, LSA 7 आ रहे हैं, ये किसके प्रीफिक्स है EIGRP 200 के, कौन जनरेट कर रहे हैं ASBR राउटर है ना, और ये प्रीफिक्सेस तो यहां पे नहीं आ रहे। अब तब इनके साथ में, अब देखो यहां से मैं R9 पे चलता हूं, और R9 से मैं कम्युनिकेट करता हूं किसको, 11 वाले प्रीफिक्सेस को, 11.1.1.1 कम्युनिकेशन हो रहा है। मैं पिंग करता हूं किसको, 10.1.1.1 एरिया जीरो को, कम्युनिकेशन हो पा रहे, इससे भी मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूं, मेरे एरिया जीरो से भी तो मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूं। मैं ईआईजीआरपी डोमेन को कम्युनिकेट करने की ट्राई करता हूं, 60.1.1.1 को कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, देखो एनएसएस एरिया में एबीआर राउटर कोई डिफॉल्ट रूट नहीं भेजता। अब यह डिफॉल्ट रूट तो भेजेगा नहीं, तो ये इनके साथ में तो कम्युनिकेट कर नहीं पाएगा, बट इनके साथ में कैसे कम्युनिकेट कर पा रहा है, ये तो आ ही रहे हैं एलएसए 3 के फॉर्म में प्रीफिक्सेस हमारे। तो अब इस केस में हमें एनएसएस एरिया के केस में हमें मैन्युअली क्या करना पड़ता है, मैन्युअली डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट करवाना पड़ता है किसमें, एनएसएस एरिया में। तो आप यहां पे बोलोगे एरिया 3 एनएसएस एबीआर राउटर पे कमांड चलेगी, ये डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, सेम कमांड आप कहां पे चला दोगे राउटर ओएसपीएफ 100 एरिया 3 एनएसएस, और इसको क्या बोल दोगे आप डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। जैसे आप कीवर्ड आप ऐड करोगे, अब ये राउटर डिफॉल्ट रूट भेजना स्टार्ट कर देगा। अब ये एबीआर राउटर क्या करेंगे, डिफॉल्ट रूट भेजना स्टार्ट कर देंगे, देख लो। और जो डिफॉल्ट रूट आ रहा होगा वो आ रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ एलएसए 7 आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, देखना LSA 1 है इस एरिया का, वो ये LSA 3 है, और ये डिफॉल्ट रूट भेजना स्टार्ट कर दिया किस फॉर्म में, LSA 7 के फॉर्म में ABR भेज रहे हैं दोनों। और अब आप कम्युनिकेट कर पाओगे किससे, इस EIGRP डोमेन से, तो वो डिफॉल्ट रूट आपको मैन्युअली इंजेक्ट करवाना पड़ेगा ABR राउटर के थ्रू। कितनी बात समझ में आ गई, बट अभी भी यहां पे एक प्रॉब्लम है, अभी भी यहां पे LSA 3 आ रहे हैं, एरिया जीरो के प्रीफिक्सेस आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ LSA 3, और ये कितने नंबर ऑफ LSA 3 आ रहे हैं, 2000 LSA 3 आ रहे हैं। अभी भी इन डिवाइसेस पे प्रॉब्लम आ रही है, इनकी परफॉर्मेंस अभी भी क्या स्लो है। तो अब हमने क्या करना है, अब इस LSA 3 को भी हमने क्या करना है, इससे पहले एक और चीज क्लियर कर देता हूं, चलो वो बाद में क्लियर करता हूं, अभी यहां पे आ जाओ। तो अभी भी यहां पे क्या आ रहे हैं, LSA 3 आ रहे हैं, और वो ये राउटर्स, इस एरिया के राउटर्स की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो उन LSA 3 को हैंडल कर पाए जो कितने आ रहे हैं, 2000 आ रहे हैं। तब हम लोग इनको भी क्या करवाएंगे फिल्टर, तो इस एरिया को हम लोग क्या बना लेंगे, टोटली NSSA, टोटली NSSA में सब कुछ सेम वही है, टोटली NSSA में LSA 3 भी फिल्टर होना स्टार्ट हो जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट सारा सेम है, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है, ठीक है। ASBR राउटर उसमें भी क्या होता है, अलाउड होता है, ये रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर पाएगा इन द फॉर्म ऑफ LSA 7, ठीक है। बट यहां पे ये ABR राउटर LSA 3 भेजना भी क्या कर देंगे बंद, एक छोटा सा और डिफरेंस है इसमें,
देखो एक तो NSA 3 भी यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा, एक और डिफरेंस है, ये जो डिफॉल्ट रूट है ना वो ऑटोमेटिकली भेज रहा होगा कौन, AVR इन द फॉर्म ऑफ LSA 3, इन द फॉर्म ऑफ LSA 3 दिखा देता हूँ मैं इस एरिया को टोटली NSA से बना रहा हूँ, और टोटली NSA से बनाने के लिए फिर से जो कमांड ऐड होगी वो कहाँ पे ऐड होगी, AVR राउटर पे। तो मैं क्या बोल रहा था, यहां पे मैंने इस कमांड को नो कर दूं, मैंने क्या बोला एरिया 3 NSA से नो समरी, आर 5 पे चलता हूं मैं, एरिया उस वाली कमांड को मैं नो कर रहा हूं पहले, एरिया 3 NSA से नो समरी। तो अब ये AVR राउटर दोनों LSA 3 भेजना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और अब मैं R9 पे चलता हूं, QIP OSPF डेटाबेस, इसके डेटाबेस में देखो यहां पे LSA 1 है इस एरिया 3 के, अब इसके पास में वो LSA 3 सारे के सारे क्या हो गए, फिल्टर हो गए, बस इसके पास में एक डिफॉल्ट रूट भेज रहा है कौन, AVR इन द फॉर्म ऑफ LSA 3 है ना। और जो ASBR राउटर है कौन सा, R10 जो रीडिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है EIGRP 200 को OSPF में, वो अभी भी रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर पा रहा है इन द फॉर्म ऑफ, तो ASBR राउटर अलाउड होता है टोटली NSSA के अंदर, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर पाएगा इन द LSA 5 फिल्टर है ना, LSA 7 तो फिल्टर नहीं है, LSA 7 जनरेट करेगा वो, आ गया वो प्रीफिक्सेस। और अब आप यहां से कम्युनिकेट भी कर पाओगे, ये लो आप EIGRP डोमेन से तो कम्युनिकेट कर ही पा रहे थे 200 से, आप OSPF डोमेन से भी कम्युनिकेट कर पाओगे, इसके पास में डिफॉल्ट रूट आ रहा है वहां तक जाने का, और आप 60 वाले से भी कम्युनिकेट कर पाओगे, इसके पास में डिफॉल्ट रूट आ रहा है AVR से, दोनों से कम्युनिकेट कर पा रहा है। और एक और चीज दिखा देता हूं, QIP रूट, अब ये जो प्रीफिक्स आएंगे ना वो आपको एज ए N1 और N2 दिखाएंगे, कैसे दिखाएगा, जब ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन में R10 पे बोल रहा था E1 जाए एक्सटर्नल टाइप 1 जाए तो कैसे दिखाएगा N1, राउटिंग टेबल में N1 से इंस्टॉल करेगा, और मैं यहां पे कुछ भी नहीं बोलता हूं तो बाय डिफॉल्ट किससे इंस्टॉल करेगा, फिर वो कैसे जा रहे होंगे, एक्सटर्नल टाइप 2 जा रहे होंगे और N2 से इंस्टॉल करेंगे। तो NSSA एरिया में जो एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस जो होते हैं वो हमें N1 या N2 की तरह दिखाएगा, और एक स्टैंडर्ड एरिया में जो एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस आते हैं वो E1 या E2 दिखा रहा होगा। आगे बात समझ में, बात करेंगे क्या डिफरेंस है E1 E2 में, N1 N2 में, ठीक है, एनपी बिट होती है, एरिया कौन सा है तुम्हारा, NSSA है तो एनपी बिट ऑन करके भेजता है, बता एनपी कौन सा NSSA, मुझे NSSA 3 इंडिविजुअल चाहिए उस केस में। ओके ये देखो यहां पे, देखो यार मैं क्या डिस्कस किया, यहां पे वो प्रीफिक्सेस क्या हो गए, LSS क्या हो गए, फिल्टर हो गए, ठीक है। और एक NSSA एरिया में जो हमारे एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस आएंगे वो किस फॉर्म में आ रहे होते हैं, LSA 7 के फॉर्म में आ रहे होते हैं, और राउटिंग टेबल में जब इंस्टॉल करेगा कैसे इंस्टॉल करेगा, N1 या N2 से इंस्टॉल करेगा, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है ना। और LSA 7 सिर्फ कहां पे देखने को मिलेंगे आपको, NSSA एरिया में देखने को मिलेंगे, एक स्टैंडर्ड एरिया में आपको LSA 7 देखने को नहीं मिल रहे होंगे, ठीक, इतनी चीज क्लियर। ओके और अब हमारा कम्युनिकेशन भी हो रहा है, देखो तो एक छोटा सा डिफरेंस है, हमने बात करी यहां पे, देखो इसमें LSA 4 LSA 5 फिल्टर हुआ था, 3 4 5 फिल्टर हो गए थे ना, यहां पे ASBR राउटर अलाउड नहीं था, यहां पे ASBR राउटर अलाउड था और LSA 7 के फॉर्म में जनरेट कर रहा था, एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस भेज रहा था LSA 7 के फॉर्म में, और डिफॉल्ट रूट ऑटोमेटिकली जा रहा था किस किस एरिया में, स्टब में, टोटली स्टब में, और किस फॉर्म में,
LSA 3 के फॉर्म में डिफॉल्ट रूट जो जा रहा था इन तीनों एरियाज के केस में, NSSA के केस में ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट रूट नहीं जा रहा था, मैनुअली भेजना पड़ रहा था, और जब मैनुअली जा रहा था तो वो किस केस में जा रहा था? बस ये छोटा सा एक और डिफरेंस है, ये मतलब इस तरह से याद रह जाएगा कि डिफॉल्ट रूट किस फॉर्म में जाता है। तो सिर्फ आप याद रख सकते हो NSSA एरिया में डिफॉल्ट रूट मैनुअली भेजना पड़ता है, और वो जब मैनुअली भेजते हो वो किस में जाता है? LSA 7 के फॉर्म में जाता है, बाकी एरियाज में ऑटोमेटिकली जा रहा होता है और LSA 3 के फॉर्म में जा रहा होता है। क्लियर है ना, ये चीज याद रह जाएगा ना? ठीक है, चलो अच्छी बात है, ये प्रीफिक्स आ गए हमारे पास में। इस एरिया को हमने NSSA या टोटली NSSA से बना रखा है, और इसने क्या किया, ये जितने भी प्रीफिक्स है वो इस एरिया में भेज दिया, किस फॉर्म में? LSA 7 को फॉर्म में। और यहाँ पे वो सारा का सारा LSS क्या हो गया, 3, 4, 5 क्या हो गया फिल्टर, और डेटाबेस का साइज क्या हो गया, एकदम रिड्यूस हो गया। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिडिस्ट्रीब्यूशन भी परफॉर्म हो रही है शाइपी ओएसपी ऑफ डेटाबेस, और डेटाबेस का साइज भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और इसकी राउटिंग टेबल में जो आईपी रूट एक्सटर्नल रूट आ रहे हैं ना वो N1 N2 से, तब आप TIGRP डोमेन से भी कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आप ओएसपी ऑफ डोमेन से भी कम्युनिकेट कर पा रहे हो, और वहां पे जो रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी कौन से पे, TIGRP 100 के साथ में भी क्या कर पा रहे हैं, डिफॉल्ट रूट के हेल्प से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। डेटाबेस साइज रिड्यूस हो गया, राउटिंग टेबल का साइज रिड्यूस हो गया, और ये राउटर रिडिस्ट्रीब्यूशन भी परफॉर्म कर पा रहा है इन द फॉर्म ऑफ LSA 7। और ये LSA 7 जो है वो सपोर्ट करता है कौन सा एरिया, सिर्फ आपको NSSA एरिया में, टोटली NSSA में आपको क्या देखने को मिलेगा, LSA 7। ये LSA 7 इस राउटर के पास में भी आएगा, इस राउटर के पास में भी आएगा। अब एक बात बताओ, अब ये जो प्रीफिक्सेस हैं ये इस एरिया में आ जाएंगे LSA 7 के फॉर्म में। अब ये LSA 7 जो है ना वो नॉर्मल एरिया जो सपोर्ट नहीं कर रहे होते आपके स्टैंडर्ड एरियाज, तो अब फिर ये राउटर्स कैसे कम्युनिकेट करेंगे इस डोमेन को? तो अब होता क्या है, हो क्या रहे, जब ये इसके पास में LSA 7 आया, इसके पास में भी क्या आया, एक LSA 7 आया, तो ये LSA 7 इस एरिया में तो जाएंगे नहीं स्टैंडर्ड एरियाज में, तो ये क्या करता है, जो ABR राउटर है ना ये इन LSA 7 को LSA 5 में कन्वर्ट करके एक स्टैंडर्ड एरियाज में भेज देते हैं। LSA 7 को किस में कन्वर्ट कर देंगे, LSA 5 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और किस एरिया में भेज देंगे, एक स्टैंडर्ड एरिया में। और ये राउटर अब एक ASBR की तरह एक्ट करना भी स्टार्ट कर लेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, LSA 5 जनरेट कर रहा है, LSA 5 क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा ना, पहले ये सिर्फ क्या था ABR, अब देखना SWIFT प्रोटोकॉल, ये अब ABR और ASBR की तरह काम करना स्टार्ट कर जाएगा। एक्चुअली इस एरिया के लिए LSA 5 कौन जनरेट कर रहा होगा, ये दोनों ABR, तो ये क्या बन जाएंगे इनके लिए ASBR, और जरूरी था ये कन्वर्ट करना, नहीं तो ये प्रीफिक्स इस एरिया में LSA 7 तो कभी आते ही नहीं है, वो प्रीफिक्स आ ही नहीं पाते, और ये फिर इनको कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। दिखा देता हूं, R1 के पास में चल लो, R1 का डेटाबेस टेबल दिखा देता हूं, जो IP OSPF डेटाबेस, और इसके पास में ये देखो LSA 5 के फॉर्म में आ रहे हैं 11 के प्रीफिक्सेस, बात आ रही है समझ में, इतनी चीज क्लियर है? ठीक, कौन कन्वर्ट कर रहे हैं, ABR, ABR कन्वर्ट, अरे ये प्रीफिक्स LSA R5 ने जनरेट किया ना, और R5 क्या है, ABR था, तो ये ASBR की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर लेगा, और इसकी राउटिंग टेबल में भी रूट आ जाएगा वो, और कम्युनिकेशन भी होता रहेगा 11.1.1.1 के साथ में, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, कम्युनिकेशन हो रहा है, और ये प्रीफिक्सेस इस राउटर के पास में भी आ जाएंगे किस फॉर्म में, LSA 5 के फॉर्म में, ये भी अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा, और OSPF के रूट है ना, OSPF को हमने यहां पे क्या करवा रखा है, रिडिस्ट्रीब्यूट, तो ये भी तो कम्युनिकेट कर ही लेगा फिर, अब 11 के प्रीफिक्सेस को कर पा रहा है कम्युनिकेट, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमारे इस नेटवर्क में ना ये दो ABR है, एक ये वाला और एक ये वाला,
अब इन दोनों में से एक ही एबीआर, अब देखो हमने एनएसएसए एरिया बनाया किस लिए था, एनएसए फिल्टरिंग के लिए, है ना। अब यहां पे इस एरिया में एबीआर कितने हैं, दो। अब इन दोनों के पास में ये प्रीफिक्स आ रहे होंगे टीआईजीआरपी 200 के किस फॉर्म में, एलएसए 7 के फॉर्म में। और अब ये दोनों अगर ट्रांसलेट करके ऊपर भेजने लग जाए एरिया जीरो में, तो अब ये कितने फिर एलएसए जनरेट करेगा। अब दोनों एबीआर जब एलएसए जनरेट करेंगे तो अब फिर से एलएसए क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे तुम्हारे। तो इनमें से कन्वर्ट करेगा कौन सा राउटर, जो जिस राउटर की, जिस एबीआर की राउटर आईडी क्या है, हाईएस्ट है, वो राउटर क्या करेगा एलएसए 7 को एलएसए 5 में क्या करेगा, कन्वर्ट। एलएसए 7 को एलएसए 5 में कन्वर्ट करेगा कौन, जिस राउटर की राउटर आईडी क्या है, हाईएस्ट है। राउटर आईडी किस राउटर की हाईएस्ट है, R5 की, R4 की, R5 की ना। तो ये देखो इसके पास में जो R1 के पास में इसके आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस में जो प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, कौन भेज रही है। अब बात समझ में आ गई, राउटर आईडी का क्या कॉन्सेप्ट है एलएसए 5 के केस में। और हाँ, अगर मेरे पास में केस कुछ ऐसा होता ना, हाँ एलएसए कहां पे होगा, जिस एरिया में एएसबीआर होता है वहां पे एलएसए 4 जनरेट नहीं होता। कल की क्लास में आए थे तो आना चाहिए था। ये देखो दो एबीआर है मेरे पास में, ये दो एएसबीआर है, यहां पे चल रहा है क्या ईआईजीआरपी, ठीक है, और यहां पे एक प्रीफिक्स है मेरा 10.1.1.0/24, और यहां पे एक और राउटर है, ठीक है, और यहां पे क्या चल रहा है ओएसपीएफ चल रहा है। अब देखो इस राउटर के पास में ईआईजीआरपी का प्रीफिक्स आ रहा होगा, इस राउटर के पास में भी ईआईजीआरपी का प्रीफिक्स आ रहा होगा, और इसको मैं जब यहां पे रिडिस्ट्रीब्यूट करवाऊंगा दोनों राउटर पे, तो ये दोनों राउटर क्या जनरेट हो कर रहे होंगे, एक ठीक है, और ये अपनी राउटिंग टेबल में कौन सा इंस्टॉल करेगा जिसकी कॉस्ट क्या होगी, कम। बट एलएसए 5 आएंगे कितने, दो। अरे इस एलएसए 5 में भी ये 10 का प्रीफिक्स आ रहा होगा, ये जो एएसबीआर 1 दे रहा होगा, एएसबीआर 2 जो दे रहा होगा वो भी किस में आ रहा होगा, एलएसए 5 में, ये सेम प्रीफिक्स। ये कौन है एएसबीआर 1 और ये कौन है एएसबीआर 2, ये अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा, जिस पास की कॉस्ट कम होगी उसको राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा। इस केस में हमारे कॉस्ट दोनों की क्या सेम, ये क्या कर रहा होगा लोड बैलेंसिंग। और याद है मैंने लास्ट क्लास में आपको वो बताया था स्टब राउटर, एक को हमने स्टब राउटर बना दिया था और वो दूसरा पाथ प्रेफर करने लग गया था ना, और वहां पे दोनों राउटर एलएसए जनरेट कर रहे थे, दोनों एएसबीआर, अगर आप लोगों को याद हो तो, अगर वीडियो देखी हो तो जाके देखो, क्योंकि क्लास में तो समझ में आया नहीं होगा वो, मुझे पता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है नॉर्मली ये राउटर्स क्या कर रहे होते हैं, दोनों राउटर क्या जनरेट कर रहे होते हैं एलएसए 5 जनरेट करेंगे। दो एएसबीआर है ना मेरे पास में दोनों एरियाज में, ये दोनों एलएसए 5 भेजेंगे अगर सेम प्रीफिक्स आ रहे हैं इसके पास में, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं किसकी, एलएसए को कन्वर्ट करने की, एलएसए 7 को एलएसए 5 में अगर कन्वर्ट करने की बात करें, एनएसएसए एरिया हमने इसलिए बनाया था ताकि हम लोग डेटाबेस का साइज क्या कर सकें, रिड्यूस कर सके, है ना। तो इसके पास में एलएसए 7 यहां से भी आ रहा था, यहां से भी आ रहा था। अब इस एरिया में दो एबीआर हैं, ये भी यहां पे इसको कन्वर्ट करेगा, ये भी कन्वर्ट करना चाहिए। तो अब एलएसए जो है आपके वो डबल आएंगे ना, तो प्रॉब्लम ही यही थी ना कि एलएसए, हमने एनएसएस एरिया बनाया भी तो इसीलिए था ताकि डेटाबेस टेबल का साइज क्या हो गया, रिड्यूस। चलो हमने यहां पे रिड्यूस करवा दिया, अब यहां पे डेटाबेस का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो होगा क्या, जिस राउटर की राउटर आईडी हाईएस्ट होगी वही राउटर क्या जनरेट करेगा, एलएसए 7 को एलएसए 5 में कन्वर्ट करेगा, तो सिर्फ R5 कन्वर्ट करने वाला है। ये समझ में आ गया, जो पाथ, जिस पाथ की कॉस्ट कम है तो कॉस्ट सेम होगी, तो क्या करेगा लोड बैलेंसिंग। ये देख क्यों पूछ रहे हैं ना, पूछ, मैं बताऊंगा ना। अभी बताया गया मैंने,
अभी कोस पे तो आया नहीं मैं, पाथ कौन सा इंस्टॉल करेगा? एलए से पता चला कौन जनरेट करेगा, कौन कौन कन्वर्ट करेगा, जिसकी राउट आईडी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। कितनी चीज क्लियर है? इलेक्शन, इलेक्शन क्या होती है, एक दूसरे को राउटर आईडी पता होगी ना? अरे राउटर आईडी में नहीं पता होगी क्या, इसको भी और इसको भी? नहीं स्पेशल ऐसी कोई बिट नहीं है, बट इसका एल ए सेवन इसके पास में आ रहा है, इसका एल ए सेवन इसके पास में आ रहा है, पता रहेगा दोनों को किसकी राउटर आईडी कौन सी है। अब देखो यहाँ पे होना क्या है, अब ठीक है इस राउटर ने एल ए से 5 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये राउटर एक्चुअल अगर देखा जाए, अब इस राउटर ने क्या करनी है, कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कहां तक जाने की, 11.1.1.0/24 तक जाने की। आज तक हम लोग क्या देखते आ रहे थे, इसके पास में एक प्रीफिक्स आया था R1 के पास में, जो IP OSPF डेटाबेस एक्सटर्नल, कौन सा 11.1.1.0 ना, ये प्रीफिक्स आ रहा था, कौन भेज रहा है, और सीड मैट्रिक कितनी लग के आती थी। अब इसके पास में एक 11.1.1.0/24 का प्रीफिक्स आया, ये कौन दे रहा है, ये ASBR दे रहा है, और इस ASBR से उस प्रीफिक्स तक रीच करने की कॉस्ट कितनी बता रहा है वो 20, और इस राउटर से ASBR तक रीच करने की कॉस्ट कितनी है 64, तो टोटल कितनी होनी चाहिए 84 होनी चाहिए ना, बट एक्चुअल कॉस्ट ये तो है नहीं, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 64 64 और 64 प्लस 20, कितनी हो गई 212 है ना, 212 बननी चाहिए ना, तो ये तो अपनी राउटिंग टेबल में 212 से ही इंस्टॉल करेगा। जो आईपी रूट दिखा देता हूं, ऐसा क्यों कर रहा है, अब ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हो रही है। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, देखो यहां पे, अब इस राउटर को पता कैसे चलेगा एक्चुअल ओरिजिनेटर कौन है, एक्चुअल ASBR कौन है जो ये LSA क्या कर रहा है, ये तो एक्सटर्नल प्रीफिक्स बेस कौन रहा है, एक्चुअल ASBR है कौन, इसको कैसे पता चलेगा। नॉर्मली क्या होता है, जब भी राउटर्स हमारे LSA 7 जनरेट कर LSA 5 जनरेट करते हैं, उस LSA 5 में एक फॉरवर्डर एड्रेस होता है, क्या होता है फॉरवर्डर एड्रेस, वो फॉरवर्डर एड्रेस जा रहा होता है 0.0.0.0, क्या जा रहा होता है 0.0.0.0 जा रहा होता है। दिखा देता हूं, इस राउटर ने एक LSA 5 भेजा यहां पे, है ना, R1 के पास में आ रहा होगा वो, जो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, कौन सा प्रीफिक्स है वो 60.1. एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल LSA 60.1.1.0, इसमें एक फॉरवर्डर एड्रेस आ रहा है, और क्या आ रहा है वो 0.0.0.0 आ रहा है फॉरवर्डर एड्रेस। नॉर्मली जितने भी हमारे ASBR होते हैं, जब वो जब LSA 5 जनरेट करते हैं, उस LSA 5 में फॉरवर्डर एड्रेस 0.0.0 लगा के भेज रहे होता है। बट अगर मैं बात करूं किसकी, एक ASBR राउटर की, जो किस एरिया में है, NSSA एरिया में है, वो हमेशा एक फॉरवर्डर एड्रेस लगा के भेजेगा, वो क्या लगा के भेजेगा, एक फॉरवर्डर एड्रेस। दिखा देता हूं, R9 के पास में एक LSA 7 आ रहा होगा, LSA 7 में हमेशा एक फॉरवर्डर एड्रेस लग के आता है, जो NSSA एरिया में जो ASBR है, वो जब भी LSA 7 जनरेट करेगा, उसमें एक फॉरवर्डर एड्रेस लगा के भेजेगा, जो IP OSPF डेटाबेस एक्सटर्नल, नहीं NSSA एक्सटर्नल, कौन सा 11.1.1.0 ना, और ये फॉरवर्डर एड्रेस क्या लग के जाएगा, ये अपना एक फॉरवर्डर एड्रेस में पहले देखेगा लूप बैक, लूप बैक का आईपी क्या लगा के भेजेगा, फॉरवर्डर एड्रेस लगा के भेजेगा। अगर दो लूप बैक है, फिर जिस लूप बैक का आईपी एड्रेस क्या होगा, हाईएस्ट होगा, वो आईपी क्या लग के जा रहा होगा, फॉरवर्डर एड्रेस, ठीक है। अगर लूप बैक नहीं बना हुआ, देन वो क्या देखेगा, फिजिकल इंटरफेस का आईपी, और अगर दो फिजिकल इंटरफेस हुए, तो किस फिजिकल इंटरफेस का आईपी, जिसका आईपी एड्रेस क्या होगा, हाईएस्ट, वो फॉरवर्डर एड्रेस में जा रहा होगा। पर हाँ, अब इस पे तो दो इंटरफेसेस हैं, और कौन से इंटरफेस की बात कर रहा हूं, जो इंटरफेस ओएसपीएफ में क्या एडवर्टाइज्ड है, उसका आईपी एड्रेस लग के जाएगा, जो इंटरफेस EIGRP में है ना, उसका फॉरवर्डर एड्रेस नहीं लग के जाएगा। इवन यहां पे दो लिंक है, इस वाले लिंक का जो EIGRP में है, उसका उसकी आईपी एड्रेस क्या, हाईएस्ट, तो यह फॉरवर्डर एड्रेस नहीं लग के जाएगा, किसका। अगर दो फिजिकल लिंक होते ओएसपीएफ में, तो जिस फिजिकल लिंक का आईपी एड्रेस क्या होता,
हाईएस्ट होता वो लग के जाता किसमें, फॉरवर्डर एड्रेस में। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब इसके पास में एक फॉरवर्डर एड्रेस लग के आ रहे इस एबीआर के पास में भी और इस एबीआर के पास में भी, किस एलएसए के फॉर्म में, एलएसए 7 के फॉर्म में आ रहे ना दोनों के पास में, इसके पास में भी और इसके पास में भी, दिखा देता हूं। बट कन्वर्ट कौन करेगा, आईपीओएसपी ऑफ डेटाबेस एनएसएसए एक्सटर्नल कौन सा 11.1.1.0, इसके पास में भी आ रहा है, कौन सा प्रीफिक्स है 11 वाला EIGRP का, उसमें फॉरवर्ड एड्रेस लगा के भेज रहा है वो LSA 7 में, इवन R4 के पास में भी आ रहा होगा। सो IPOSP ऑफ डेटाबेस एक्सटर्नल NSSA एक्सटर्नल 11.1.1.0 इसके पास में भी फॉरवर्ड एड्रेस लग के आ रहा है, बट कन्वर्ट कौन करेगा इसको, R5 कन्वर्ट करेगा ना, और जब R5 LSA 7 को जब कन्वर्ट करेगा किसमें, LSA 5 में, तो जो फॉरवर्डर एड्रेस है ना वो भी उसमें एड करके भेजेगा LSA 5 में, तो वो किसके पास में आ रहा होगा, R1 के पास में, शो IPOSP ऑफ डेटाबेस एक्सटर्नल 11.1.1.0 में ये आ रहा है फॉरवर्डर एड्रेस। मतलब इसको पता चल जाएगा जो एक्चुअल जो ASBR है ओरिजिनेटर है, जो एक्सटर्नल रूट क्या कर रहा है, ओरिजिनेट कर रहा है, वो कौन है 192.168.1.10 है, ये नहीं है 5.5.5 ASBR। ये तो क्या कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है किसको, LSA 7 को किसमें, LSA 5 में। एक्चुअल ओरिजिनेटर कौन है 192.168.1.10 है एक्चुअल ओरिजिनेटर। अब ये देखेगा, ठीक है मेरे पास में एक प्रीफिक्स आया कौन सा 11.1.1.0/24 का, अब इसने इस प्रीफिक्स तक जाना है तो कोर्स देखेगा कहां तक रीच करने की, इस आईपी तक रीच करने की, और इस आईपी तक रीच करने की। अब ये प्रीफिक्स इसकी राउटिंग टेबल में भी तो इंस्टॉल हो रखा होगा, आईपी रूट इसकी राउटिंग टेबल में जो 192.168.1. ये देख रहा है कि दोनों, इन दोनों से पाथ की कोस क्या है, सेम है। अरे समझ में आ रही है बात, इसने क्या देखा, एक प्रीफिक्स आया कौन सा 109.1.1.10, एक फॉरवर्डर एड्रेस लग के आया, इसको पता चला कि एक्चुअल ओरिजिनेटर कौन है R10 है, और R10 तक मैंने अगर रीच करना है तो मैं इस पाथ से भी जा सकता हूं, और मैं इस पाथ से भी रीच कर सकता हूं, और इस पाथ से भी रीच कर सकता हूं ना, दोनों की कॉस्ट क्या है सेम, कितनी है, कितनी होगी 192, और इस वाले पाथ से भी कितनी है 192। मैं दोनों पाथ से उस ASBR तक रीच कर सकता हूं, दोनों पाथ से ASBR रीच करने की कोशिश किया सेम, और उस LSA में जो कोर्स लग के आ रही थी वो कितनी लग के आ रही थी, अरे LSA सीट मैट्रिक कितनी लग के आ रही थी 20 प्लस इन दोनों पाथ में, इन दोनों पाथ से ASBR तक रीच करने की कोशिश में वो 20 सीट मैट्रिक प्लस करेगा, और अपनी राउटिंग टेबल में दोनों पाथ से ही क्या कर लेगा, इसको इंस्टॉल कर लेगा। दिखा देता हूं शो आईपी रूट, पता चल गया 212 से इस वाले राउटर से भी और इस वाले राउटर से भी दोनों ABR से उस तक रीच करने की कोस क्या है सेम है, एक ही से ही मिल रहा है, एक ही से, मैंने कब कहा दो से मिलेगा, LSA तो एक ही से आ रहा है, कोस कैसे कैलकुलेट होगी, एक्चुअल ओरिजिनेटर कौन है ASBR है ना, तो फिर वो देखेगा वहां तक रीच करने की कोस्ट क्या है, वो अपने ASBR तक रीच करने की कोस्ट नहीं देखेगा, एक्चुअल जो ASBR है वहां तक रीच करने की कोस्ट देखेगा, वहां तक रीच करने की कोस्ट दो पाथ से क्या मिल रही है सेम, तो दोनों को राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा। इसको प्रूफ करके दिखाता हूं, ये एक चीज तो प्रूफ होगी ना, अरे IPOSP ऑफ डेटाबेस, इसके डेटाबेस में जो एक्सटर्नल प्रीफिक्स आ रहे हैं मेरे, ये R5 ही कन्वर्ट करके भेज रहा है इसको, R5 क्या है ASBR, बट एक्चुअल ओरिजिनेटर ये नहीं है ना R5, एक्चुअल कोस्ट तो टोटल पाथ कोस्ट देखेगा ना वो, किस तक रीच करने की ASBR तक रीच करने की, और एक्चुअल ASBR है कैसे पता चलेगा, फॉरवर्डर एड्रेस से, और इस फॉरवर्डर एड्रेस तक रीच करने की कोस्ट क्या है वो कहां से चेक करेगा, अपनी राउटिंग टेबल में, और राउटिंग टेबल में इस प्रीफिक्स तक रीच करने की कोस्ट पड़ी हुई है, दोनों पाथ से है, मतलब मैं इस ASBR से इस ASBR तक मैं यहां से भी रीच कर सकता हूं, और मैं यहां से भी रीच कर सकता हूं, दोनों से ही कोस क्या है सेम,
और सीड मैट्रिक जो लग के आ रही थी प्लस करेगा और दोनों पात से राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा उसको सोल्व कर लेगा। आई बात समझ में? कॉस्ट एक्चुअली कैसे कैलकुलेट हो रही है? अगर ये फॉरवर्डर एड्रेस नहीं लग के आ रहा होता तो ये एक्चुअल कॉस्ट तो कैलकुलेट कर ही नहीं पाता कभी। इसको क्या लगता आर वन को मेरा एएसबीआर कौन है? आर फाइव है। उस तक जाने की कॉस्ट कितनी है? 64। और सीट मैट्रिक कितनी लग के आ रही है? 20। और 184 यूनी। बट एक्चुअल कॉस्ट तो देख लो यहां तक जाने की कितनी है। क्लियर है इतनी चीज? अब देखो मैं एक काम करता हूं, मैं इस वाले लिंक पे कॉस्ट और एक्चुअली ये ना वो फॉरवर्ड एड्रेस देख रहा है अपनी राउटिंग टेबल में, वो प्रीफिक्स इसको प्रूफ करके दिखाऊं। स्वाइप रूट इसकी राउटिंग टेबल में इस प्रीफिक्स तक रीच करने की कॉस्ट पड़ी हुई है ना, दोनों से सेम है। एक काम करूं मैं इस प्रीफिक्स को फिल्टर करवा दूं राउटिंग टेबल से, वो देखेगा एक्चुअल फॉरवर्डर कौन है। 109.1.1.10 है इसकी राउटिंग टेबल में, वहां तक जाने की कोई कॉस्ट पड़ी ही नहीं होगी, प्रीफिक्स ही नहीं है इसके पास में, उस तक रीचेबिलिटी नहीं है, तो राउटिंग टेबल में पाथ भी इंस्टॉल नहीं करेगा, इवन उसके पास में एलएस आ रहा होगा। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो टोटल पाथ को किससे कैलकुलेट कर रहा है, उस एड्रेस से जो राउटिंग टेबल में आ रहा है उसके थ्रू। तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं एक एक्सेस लिस्ट बनाता हूं 10 और मैं इसको डिनाई करवा देता हूं 109.1.1.0.0.0.255 एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एनी राउटर ओएसपीएफ 100 में जाके डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में एसएल कॉल करवा ली 10 फॉर इनकमिंग डायरेक्शन शुआईपी रूट। 109 वाला रूट आ रहा है यहां पे? नहीं, शुआईपी ओएसपीएफ डेटाबेस दिखा देता हूं। शुआईपी ओएसपीएफ डेटाबेस एक्सटर्नल कौन सा? 11.1.1.0 वाला। ये R5 ने ये प्रीफिक्स दिया है, फॉरवर्डर एड्रेस लग के आ रहा है, इसको पता चल गया एक्चुअल फॉरवर्डर ये है। ये देखेगा इस एड्रेस तक रीच करने की कॉस्ट कितनी है, शुआईपी रूट, इसकी राउटिंग टेबल में वहां तक जाने की कोई कॉस्ट है ही नहीं, एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट कर ही नहीं पाएगा। शो आईपी रूट इसके राउटिंग टेबल में 11 का प्रीफिक्स इंस्टॉल्ड है क्या, वो कॉस्ट कैलकुलेट कर ही नहीं पा रहा। वो बात आई समझ में? इसको वापिस से हटा दू, वापिस से ले आऊं उस प्रीफिक्स को, राउटर ओएसपीएफ 100 में जाता हूं मैं और मैंने इसको क्या कर दिया नो, ये वापिस से प्रीफिक्स रिसीव हो जाएगा। हो गया इंस्टॉल और 11 वाले रूट भी आ जाएंगे। ये देखना कॉस्ट कैलकुलेट करना, इसने वापस से क्या कर दिया स्टार्ट, इसने देखा 109 तक अगर मैंने रीच करना है तो मैं दो पाथ से रीचेबल हूं, इस वाले पाथ से भी और इस वाले पाथ से भी उस एएसबीआर तक, और दोनों की पाथ कॉस्ट क्या है सेम। अरे आईपी देखा, आईपी तो दोनों से रीचेबल है ना। अब मैं काम करता हूं, एक्चुअली कन्वर्ट एलएसए 5 कौन कन्वर्ट कर रहा है 7 को 5 में, ये R5 ASBR। मैं इस वाले लिंक पे कॉस्ट है कितनी वैसे 64, मैं इस वाले लिंक की कॉस्ट कितनी कर दूं 164 कर दूं, 164 कर दूं, उससे देखो क्या होगा। अब क्या है इंटरफेस सीरियल 1x1 आईपी ओएसपीएफ कॉस्ट 164। अब R1 के पास में जो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस एक्सटर्नल 11.1.1.0 वाला जो प्रीफिक्स आ रहा है एएसबीआर इसने भेजा है, बट एक्चुअल ओरिजिनेटर कौन है उसका, ये एएसबीआर है। इस एएसबीआर तक रीच करने की कॉस्ट कितनी है वो कॉस्ट कंपेयर करेगा, सो आईपी 192.168 इस तक रीच करने की कॉस्ट है ना, R4 से क्या है कम है, कितनी है सॉरी ये है ना, हाँ R4 से क्या है कम है, 192 है ना, और वो दूसरे वाले की तो ज्यादा है ना। तो ये वाला ASBR इस बार इस वाले पाथ से क्या है, राउटिंग टेबल में इंस्टॉल किया, इसी वाले पाथ से इंस्टॉल्ड है ना, तो ये अपने राउटिंग टेबल में वो वाला प्रीफिक्स देखना किससे इंस्टॉल कर रहा है, 11 वाला R4 से कन्वर्ट कौन कर रहा है, ये पाथ कौन सा यूज कर रहा है, बात आ रही है समझ में? तो किससे कैलकुलेट हो रहा है, वो राउटिंग टेबल में वो जो फॉरवर्डर एड्रेस लग के आ रहा है उस तक रीच करने की पाथ कॉस्ट से। क्लियर, आगे बात समझ में? अब मैं एक काम करता हूं, मैं ना इस राउटर को मना कर सकता हूं कि तुम फॉरवर्डर एड्रेस लगा के ना भेजो,
इसके पास में जो LSA 5 आ रहा है ना, उस LSA 5 में हम लोग फॉरवर्ड एड्रेस लगाने ही क्या करवा देते हैं, बंद करवा देते हैं, करवा दू बंद। अरे फॉरवर्ड एड्रेस नहीं लग के जा रहा होगा, आप ऐसा बोल सकते हो। मैं चलता हूँ R10 पे। अरे ध्यान से देख, अभी बताऊंगा। देखो एरिया 3, मैंने इसको क्या बोला था, NSSA ट्रांसलेट। ओके ये कमांड यहां पे नहीं चलेगी, ये कमांड चलेगी ABR पे। ABR ट्रांसलेट कर रहा है ना, राउटर OSPF 100 एरिया 3 क्या था, NSSA। ये ट्रांसलेट करे किसको, टाइप 7 को, बट सप्रेस फॉरवर्डर एड्रेस। फॉरवर्डर एड्रेस को क्या कर दे, सप्रेस कर दे। तो अब इसके पास में जब प्रीफिक्स आ रहा होगा तो ये फॉरवर्डर एड्रेस को क्या करेगा, CIP OSPF डेटाबेस एक्सटर्नल 11.1.1.0 फॉरवर्डर एड्रेस को इसने सप्रेस करना क्या कर दिया, स्टार्ट। अब इसके लिए इसको क्या लगेगा, मेरा ओरिजिनेटर कौन है, R5 है, जो 11 वाला प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, मेरा ओरिजिनेटर ही कौन है, R5 है, इसको तो सिर्फ ये लगेगा। अब फॉरवर्डर एड्रेस तो आ ही नहीं रहा यहां तक रीच करने की कॉस्ट, वो देखिएगा मेरे यहां तक रीच करने की कॉस्ट कितनी है, और इसको पता है मेरे से लेके यहां तक रीच करने की कॉस्ट कितनी है, टोटल करेगा और अपनी राउटिंग टेबल में इस बार पाथ कौन सा इंस्टॉल करेगा, 11 वाले प्रीफिक्स कहां से इंस्टॉल कर लेगा, R E1 E1 इस वाले लिंक पे कॉस्ट क्या है, इस वाले पाथ की कॉस्ट क्या है, कम है, स्टिल ये वाला पाथ यूटिलाइज हो रहा होगा। बात आ रही, अरे फॉरवर्डर एड्रेस तो लग के आई नहीं रहा, अब फॉरवर्डर एड्रेस से पाथ कैलकुलेशन नहीं हुई है, अब पाथ कैलकुलेशन कैसे हो रही है, ASBR तक रीच करने की। इसको पता ही है ना यार मेरा ASBR कौन है, मेरा ASBR यही है, इस तक रीच करने की कॉस्ट कितनी है, तो राउटिंग टेबल में कॉस्ट कितनी इंस्टॉल कर रहा है, 84। अरे इस राउटर से इसको लग रहा है कि मेरा ओरिजिनेटर यही है, R5 ही है, R5 ओरिजिनेटर है, तो इस ASBR तक रीच करने की कॉस्ट कितनी है, 64, इसने पहले से ही कैलकुलेट कर की है, और सीट बैटरी कितनी लग के आ रही है, 20, उसी को इंस्टॉल कर लेगा। टोटल पाथ कॉस्ट नहीं देखेगा अभी, एक्चुअली फॉरवर्डर इसको पता ही नहीं चल रहा एक्चुअल फॉरवर्डर है कौन, इसको ये लग रहा है कि एक्चुअल फॉरवर्डर कौन है, R5। और ट्रांसलेशन कर ही कौन रहा है, R5 कर रहा है ना, R4 तो ट्रांसलेशन परफॉर्म ही नहीं कर रहा। हाँ बोलो आप बोलो, किसके लिए भाई, इस एरिया में तो ये राउटर क्या है, ASBR है ना, तो क्यों LSA4 जनरेट होगा इस एरिया में, LSA4 कहां पे जनरेट होता है, जिस एरिया में ASBR नहीं होता है। अरे LSA4 जनरेट ही कहां होता था, जिस एरिया में ASBR नहीं है, यहां तो LSA5 से ही पता चल जाएगा ईबिट से ASBR कौन है, LSA1 से है ना। आगे बात समझ में, बोलो हाँ, 64 प्लस 20। तो अब मैं क्या करूं, वापिस से वो कमांड हटा दूं, R5 पे क्या मैं, और R5 पे जाके मैंने ये वाली कमांड हटा दी, मैंने बोला एरिया 3 NSSA इस कमांड को हटा दिया, बस ठीक है। अब ये वापिस से वो फॉरवर्डर एड्रेस लगा के भेजना क्या कर देगा, स्टार्ट CIP OSPF डेटाबेस एक्सटर्नल, कौन सा 11.1.1.0 ना, फॉरवर्डर एड्रेस लग क्या रहे, और अब इस बार इस फॉरवर्डर एड्रेस तक रीच करने की पाथ कॉस्ट किससे कम है, R4 से, तो CIP रूट देखना। उस आईपी तक यहां से रीच करने की कॉस्ट ज्यादा है, यहां से रीच करने की कॉस्ट कम है, यहां पे इस वाले लिंक पे मैंने कॉस्ट बढ़ा रखी है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो मुझे, बोलो। भाई वही तो बता रहा था, वही तो मैंने समझाया इतनी देर से, और क्या समझाया तुम्हें, ये अपना LSA7 में क्या लगा के भेज रहा होगा फॉरवर्डर एड्रेस, इसको पता कैसे चलेगा एक्चुअल ओरिजिनेटर ये है या ये राउटर है,
एक्चुअल ओरिजिनेटर कौन है, ये है ना, तो इसको कैसे पता चलेगा, ये अपना फॉरवर्डर एड्रेस लग के आ रहा था कौन सा, तो ये इस तक रीच करने की कॉस्ट देखेगा कहां तक, कहां से कम है, इससे कम है या इससे कम है, दोनों से क्या थी सेम, तो दोनों ही पाथ को राउटिंग टेबल में क्या कर लिया था इंस्टॉल। हाँ बोलो, मेरे हिसाब से रूट से मिलना चाहिए क्यों मिल, अरे रूट ओएसपीएफ में क्या जाते हैं एलएसएस, क्या जाते हैं एलएसए, पाथ कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर रही है इस बार, इस एड्रेस के बेसिस पे, मैंने पूरी स्टोरी वही वही तो समझाई थी तुम्हें, अरे भाई मेरे भाई एक बात बताओ, अरे ध्यान से सुन लो, इधर इसके पास में एक LSA 7 आया 11 वाला प्रीफिक्स, इसके पास में भी LSA 7 में एक 11 वाला प्रीफिक्स आया, कन्वर्ट कौन करेगा, ये वाला राउटर किसमें LSA 5 में, ये ABR तुम्हारा 1 है, ये ABR तुम्हारा है, कौन सा कन्वर्ट करेगा, जिसकी राउटर आईडी क्या रहेगी हाईएस्ट रहेगी, इसके पास में, इसके पास में एक LSA 5 आया और LSA 5 में एक प्रीफिक्स आ रहा है कौन सा, और साथ में क्या लग क्या रहा है, एक फॉरवर्डर एड्रेस, इसको ये बताने के लिए कि एक्चुअल ओरिजिनेटर ना यहां पे एक तो जारी होगी क्या राउटर आईडी किसकी, ASBR की, ASBR कौन है इसके लिए अब, ये बट एक्चुअल ASBR ये नहीं है, एक्चुअल ASBR कौन है, जो किस, जो क्या लग क्या रहा है जिसमें फॉरवर्डर एड्रेस, फॉरवर्डर एड्रेस किसका लग के जा रहा होगा, इस ASBR का लग के जा रहा था, देखा था ना, तो वही तो बता रहा हूँ, सुन ले, भाई LSA आ रहा है इधर से, तो पाथ कोस्ट अभी मैं वही तो समझाने वाला हूँ, वही तो समझा रहा हूँ, सुन तो लो, ये प्रीफिक्स आ गया इसके पास में LSA 5 आ गया, एक्चुअल ओरिजिनेटर कौन है ये, अब इस आईपी तक रीच करने की कोस्ट कंपेयर करेगा ये, अगर इसने इस 10 के प्रीफिक्स, इस 11 के प्रीफिक्स तक जाना है तो इस आईपी तक रीच करने की कोस्ट किससे कम है, ये देखिएगा राउटिंग टेबल में, अरे राउटिंग टेबल में पाथ कोस्ट इंस्टॉल करेगा ना, टोटल पाथ कोस्ट क्या, कि मैंने 11.1.1.0/24 तक जाना है, इसमें तो कोस्ट कितनी आ रही है सीड मैट्रिक 20 प्लस जो एक्चुअल ओरिजिनेटर है उस तक रीच करने की कोस्ट कितनी है, अब वो कंपेयर करेगा, तो ये देखिएगा अपनी राउटिंग टेबल में, इसकी राउटिंग टेबल में ये प्रीफिक्स पड़ा हुआ है आईपी रूट, तो इसकी राउटिंग टेबल में इस प्रीफिक्स तक रीच करने की कोस्ट किससे कम है, आर 4 से कम है ना, आर इससे, इससे ज्यादा है और इससे क्या है कम है, किस तक रीच करने की, इस आईपी तक रीच करने की, तो राउटिंग टेबल में पाथ कौन सा इंस्टॉल करेगा, जिसकी कम है उसी को, अगर दोनों की सेम होगी तो क्या करेगा, लोड बैलेंसिंग, इसका प्रीफिक्स भी तो आ रहा है ना इसके पास में, और ये प्रीफिक्स यहां पे कैसे जा रहा है LSA 3 के फॉर्म में, अरे अभी भी नहीं समझ में आया, नेक्स्ट ये समझ में आ गया सभी को, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, बात करेंगे प्रीफिक्स सेपरेशन के बारे में, प्रीफिक्स सेपरेशन क्या है, ये देखो यार, अब नॉर्मली क्या होता है, हमने जो कम्युनिकेशन करना होता है ना डिवाइसेस के बीच में, लाइक R1 राउटर है मेरे पास में एक, R2 राउटर है एंड R3 राउटर है, ठीक, यहां पे एक प्रीफिक्स है 10 का, यहां पे एक प्रीफिक्स है 20 का, यहां पे एक प्रीफिक्स है 30 का, ठीक, ये सीरियल लिंक है, यहां पे भी एक नेटवर्क यूज हो रहा होता है, यहां पे भी एक नेटवर्क यूज हो रहा था,
एक बात बताओ, नॉर्मली जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं वो लैन टू लैन कम्युनिकेशन करते हैं ना, एंड टू एंड लैन यूजर्स के बीच में हमारा कम्युनिकेशन हो रहा होता है। एक बात बताओ, इस राउटर की राउटिंग टेबल में इस वाले नेटवर्क की भी तो इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, और क्या इन लैन यूजर्स ने इनको थोड़ा ना कम्युनिकेट करना होता है, इन प्रीफिक्सेस को, इन लैन यूजर ने लैन टू लैन इनको कम्युनिकेट करना है, इनको कम्युनिकेट करना है ना। इस वैन लिंक को तो हमने कभी कम्युनिकेट करना ही नहीं है, तो वैन लिंक को क्यों हम लोग OSPF में एडवर्टाइज करवाएं? अब मैं वैन लिंक को OSPF में एडवर्टाइज नहीं करवाऊंगा तो इन दोनों राउटर्स के बीच में नेटवर्कशिप नहीं आ पाएगी। अब मैंने वो क्या करना है, यहाँ पे जो ये वैन लिंक है ना, इन वैन लिंक पे जो प्रीफिक्सेस यूज हो रहे हैं उनको हमने सप्रेस करना है, ताकि डेटाबेस टेबल का साइज क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। समझ में आ रही है बात? अरे अब यहाँ पे लेट्स सपोज नंबर ऑफ आगे और 100 नंबर ऑफ राउटर अटैच्ड है, इन सभी राउटर्स के बीच में 100 नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस होंगे, वो सारे के सारे प्रीफिक्स इसकी डेटाबेस टेबल में आएंगे LSS के फॉर्म में, है ना। तो इसके LSA का डेटाबेस का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज, वो राउटिंग टेबल में भी इंस्टॉल होंगे। और इन वैन लिंक को तो हमने, इन लैन यूजर्स ने कभी कम्युनिकेट करना ही नहीं होता, तो क्यों ये एडवर्टाइज करवाए? एडवर्टाइज नहीं करवाना चाहिए। तो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, सप्रेस करवा सकते हैं। तो कैसे सप्रेस करवाते हैं वो बात कर लेते हैं। मैं चलता हूं R2 पे, पहले R2 पे जाके मैं कमांड चलाता हूं। देखो ये वाले लिंक की और ये वाले लिंक की, ये वाले लिंक की R9 के पास में इंफॉर्मेशन आ रही होगी, देख लो इन नेटवर्क इंफॉर्मेशन आ रही होगी, शो IP रूट, कौन कौन से लिंक है वो, 12, 13, 14, 15 है ना, एक नहीं आ रहा होगा, वो मैंने लिंक डाउन कर रखा है, 13 वाला नहीं आ रहा होगा। अच्छा इस एरिया को हमने वो बना रखा था, NSS एरिया बना रखा था, मैं इस एरिया को NSS एरिया से हटा रहा हूँ, राउटर OSPF 100 एरिया 3 NSS को मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, R9 पे भी, R4 पे भी, राउटर OSPF 100 एरिया 3 NSS, इसको पहले नो करो, और नो एरिया 3 सम, एरिया 3 NSS नो समरी, ठीक है, और डू शो हिस्ट्री, ये सेम कमांड आप कहां पे रन करोगे, R5 पे, यहां से भी वो कमांड हटा दो, राउटर OSPF 100 में जाओगे, ठीक है, और R9 पे चलो, R9 से तो मैंने हटा ही दिया, R9 के पास में अभी वो प्रीफिक्सेस आ रहे होंगे, देखो IP रूट, देखो 14 वाला आ रहा है, 12 वाला आ रहा है, और 15 वाला, 14, 12, 14 एंड 15 वाले यहां पे प्रीफिक्सेस आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे लैन यूजर हैं, इन्होंने इन लैन नेटवर्क को कम्युनिकेट करना होता है ना, ना कि इन वैन लिंक को कम्युनिकेट करना होता है, तो ये मैंने एडवर्टाइज नहीं करवाने। तो आप यहाँ पे कमांड चलाओगे राउटर OSPF 100 में जाके, प्रीफिक्स सप्रेशन, सेम कमांड आप R2 पे, R1 पे चलाओ, राउटर OSPF 100 प्रीफिक्स सप्रेशन, सेम कमांड आप R4 पे रन करो, प्रीफिक्स सप्रेशन, सेम कमांड आप R5 पे रन करोगे, राउटर OSPF 100 प्रीफिक्स सप्रेशन। अब देखो R9 का टेबल दिखा देता हूँ, शो IP OSPF डेट, शो IP रूट, हो गया क्या फिल्टर? अभी वैन लिंक के वो प्रीफिक्सेस नहीं आ रहे हैं, हो गए ना फिल्टर। एक्चुअली हो क्या रहा है, ये R1 जब अपना LSA1 जनरेट कर रहा है ना, शो IP OSPF डेटाबेस राउटर LSA इसका 1.1.1 का, तो नॉर्मली ये अपने सभी लिंक्स की इंफॉर्मेशन दिखा रहा होता था, याद है? तो इस राउटर के ऊपर कौन कौन से लिंक है, एक तो ये वाला नेटवर्क यूज हो रहा है, एक ये मैंने कुछ लूप बैक बना रखे हैं, एक तो ये दिखा रहा है तुम्हें, ये रहा लूप बैक, ये सभी लिंक्स दिखा रहा है ना, लूप बैक 5 भी दिखा रहा है, और इसका एक नेबर बना हुआ है, इस नेबर की भी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, इस नेबर की भी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, इस नेबर की भी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, बट इन लिंक पे जो नेबर बने हुए हैं
उन लिंक पे जो नेटवर्क स्टब नेटवर्क दिखाता होता था हमें ना, उन लिंक की इंफॉर्मेशन क्या कर दी उसने, रिमूव करनी स्टार्ट कर दी। जैसे उसको आप क्या बोलोगे, प्रीफिक्स सेपरेशन। नॉर्मली क्या होता था, आर वन है, आर टू है, सीरियल लिंक है, यहाँ पे एक नेटवर्क यूज हो रहा है 12.1.1.0/24 का, और इसका एक नेबर भी है कौन, 2.2.2.2। तो आर वन जब अपना एल एस ए वन जनरेट करता था ना, तो उसमें दो चीजों की इन्फॉर्मेशन, दो लिंक की इन्फॉर्मेशन रखता था, एक तो इससे लिंक कनेक्टेड है जिसपे इसका एक नेबर है कौन 2.2.2.2, और एक और लिंक है यहाँ पे जिसको हम लोग स्टब नेटवर्क बोलते थे, इसी वाले लिंक पे एक नेटवर्क यूज हो रहा है, कौन सा, ये वाला। तो जैसे मैं इसको प्रीफिक्स सेपरेशन बोलूंगा ना, तो इस लिंक पे जो भी नेबर बने हुए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन तो उस एलएसए में रखेगा, बट उस लिंक पे जो नेटवर्क है उस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन यहां से इस एलएसए से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। और नहीं जानी चाहिए वैन लिंक इन्फॉर्मेशन, क्यों जाए वैन लिंक को मैं क्यों एडवर्टाइज करवाऊं, वैसे वैन लिंक को एडवर्टाइज इसलिए करवाना पड़ेगा ताकि नेबरशिप बन जाए, बट वो प्रीफिक्स भी शेयर कर रहे होंगे तो वो प्रीफिक्स हम लोग क्या करवा देंगे, सप्रेस। और ना आप एक और काम कर सकते हो, आप यहां पे मैनुअली भी कोई लिंक का प्रीफिक्स सप्रेस करवा सकते हो, जैसे मैं नहीं चाहता ये लूपबैक वन का प्रीफिक्स शेयर करे, ये उसमें ऐड करे, तो इंटरफेस लूपबैक वन पे जाओगे, आईपी ओएसपीएफ प्रीफिक्स सप्रेशन, तो अब देखना जो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस राउटर एलएसए कौन सा 1.1.1 का, तो ये देखना लूपबैक वन का हटा दिया ना इसने, 1.1.1 वाला 2 का दिखा रहा है, 3 का दिखा रहा है, 4 एंड 5 का दिखा रहा है, बस दैट्स इट। बोलो आगे बात समझ में, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, वीडियो देख लेना, वीडियो में कैप्चर हो गया, वीडियो इसीलिए है, जिस लिंक पे नेबर बना हुआ, जो लिंक का प्रीफिक्स भी, अगर उस लिंक पे कोई नेबर नहीं है, देखो इस लिंक पे एक नेबर बना हुआ था, अगर मैं ग्लोबली वो कमांड चला रहा हूं तो इस लिंक पे जो नेटवर्क है उसको रिमूव कर रहा है, बट यहां पे एक लूप बैक है उस पे तो कोई नेबर नहीं बना हुआ, उसको तो इंक्लूड कर रहा था वो, बट आप चाहते हो इसको भी क्या कर दे, वो सप्रेस कर दे, तो आप मैनुअली करवा सकते हो उस इंडिविजुअली उस लिंक पे जाके, ठीक है, आगे बात समझ में। तो चलो ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इन वैन लिंक को क्या करवा दिया, सप्रेस करवा दिया, और ये लैन जो नेटवर्क है ये तो एडवर्टाइज हो ही रहे हैं एलएसए 1 में, यहां पे एक नेटवर्क यूज हो रहा है 12.1.1.0/24 का, और इसका एक नेबर भी है कौन 2.2.2.2, और इस राउटर पे मैंने कमांड एग्जीक्यूट करी थी, और इस राउटर पे भी एक कमांड एग्जीक्यूट करी थी मैंने क्या, प्रीफिक्स सेपरेशन की। तो R1 जो अपना LSA1 बनाएगा उस LSA1 में एक 10 वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन रहेगी और एक नेबर की इंफॉर्मेशन रहेगी, नेबर ही है, और इस लिंक पे एक नेबर बना हुआ है ना, तो इस लिंक पे जो नेटवर्क यूज हो रहा है उसको उसमें इंक्लूड नहीं करेगा, तो सिर्फ यही इंफॉर्मेशन क्या हो रही होगी, सभी के पास में जा रही होगी, ऐसे ये कर रहा होगा। तो अब इस राउटर के पास में 12 वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आएगी कभी, आएगी नहीं, तो अब 12 वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, तो आप R1 को कभी अगर आपने पिंग भी करना होगा या इसको टेलनेट करना है तो आप टेलनेट कर पाओगे यहां से कभी उस राउटर को, नहीं टेलनेट कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन इस वाले नेटवर्क की तो इंफॉर्मेशन आ रही है ना, उससे टेलनेट हो जाएगा। या फिर एक और काम कर सकते हो आप, जैसे ये सेंट्रलाइज राउटर है, यहां पे कोई नेटवर्क यूज हो ही नहीं रहा, इसको कभी टेलनेट कर पाओगे आप, ना ही इस वाले लिंक की ना ही इस वाले लिंक की इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, नेटवर्क इंफॉर्मेशन, इसको मैं कभी पिंग ही नहीं कर पाऊंगा इस राउटर को, तो आप क्या करोगे, नॉर्मली हम लोग हर एक राउटर पे क्या बनाते हैं, एक लूप बैक बना के रखते हैं ना, हर एक राउटर पे नॉर्मली क्या बनाते हैं, एक लूप बैक बना के रखते हैं, लूप बैक इंटरफेस का आईपी तो प्रोपोगेट हो ही रहा होगा, उस लूप बैक पे तो कोई नेबर नहीं बना हुआ, उसको तो एडवर्ट उसको तो LSA1 में ऐड करके भेजेगा वो, तो सबके पास में वो लूपबैक की इंफॉर्मेशन चली जाएगी, और उस लूपबैक आईपी से इसको आप क्या कर सकते हो, R2 को टेलनेट कर सकते हो इस पे, अगर आपने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करनी है, जो भी आप लोगों ने ट्रबल शूटिंग करनी है, कुछ भी करना है, इस राउटर को एक्सेस करना, आप राउटर को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, आगे बात समझ में। और कॉम्युनिकेशन तो होता ही रहेगा ना, वैन लिंक के आईपी राउटिंग टेबल में है नहीं है कोई दिक्कत नहीं है,
राउटर जब कम्युनिकेट करता है वो डेस्टिनेशन आईपी चेक करते हैं क्या उसकी राउटिंग टेबल में उस नेटवर्क तक रीच करने की इंफॉर्मेशन है, राउटिंग टेबल में पड़ी होगी, वो भेजता रहेगा आगे से आगे राउटर। क्लियर? हाँ